वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से और वीनस एचडी टीवी चैनल की जानिब से आप सब लोगों को बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? खूब इंजॉय कर रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि बड़ी ईद का बड़ा तोहफा है और वो तोहफा ये है कि सैक्रिफाइस कुर्बानी, और ये मेरे अल्लाह पाक ने दी ये खूबसूरत कुर्बानी किसके हिस्से में? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हिस्से में, और हमें ये मैसेज दिया कि कुर्बानी किसे कहते हैं। और अब मैं एक चीज़ देखती हूँ कि हम लोग ऑफ कोर्स घर में ऊँट भी आता है, बैल भी आती है, और बकरा और दुम्बा, डिपेंड ऑन योर बजट के आपके जो बच्चे हैं बड़ा एंजॉय करते हैं डिफरेंट अपने घर में जानवर ला के, और सारे पेरेंट्स और सारे बहन भाई ऑफ कोर्स उसकी बड़ी सेवा करते हैं, बड़े खिदमत करते हैं। कोई क्या कर रहा है, कुछ उसको मेहंदी लगा रहा है, कुछ उसको ज्वेलरी लाइक वो टन टन पन पन जो पहनाया जाता है बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब किया जाता है, उससे मोहब्बत का इजहार किया जाता है, और फिर ये सिखाया जाता है जिससे बहुत मोहब्बत हो जाए। मैंने तो कुछ लोगों को लिटरली जो है मैंने देखा है वो रो रहे होते हैं जब उनके साथ उनका जिन्होंने वो बहुत लॉन्ग टाइम एक बैल जो है वो पाला होता है, बहुत सारे जानवर, कुछ बच्चे आए, बच्चों की जो एक स्टाइल है ना रोने का, मैंने काटे दूंगा छोड़ दे, और खूबसूरत खूबसूरत के फूल भी तोड़ रहे होते हैं वो कि नहीं 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 और जाओ तुम मेरे से कर रहे, बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन उनकी मोहब्बत होती है। और कुछ बच्चे ऐसे करके रो रहे होते हैं कोने में बैठ के कि अब मेरा जो है मैंने जिसको बकरा मैंने 15 दिन रखा एक महीने तक, सिर्फ कहने का मकसद है कि जब बहुत अजीज़ चीज़ जब आप किसी को देते हैं तो सोचें कि जो आप खुद पसंद करते हैं, इट्स अ मोटिवेशनल मैसेज, लाइक कि आप जो खुद खाते हैं दूसरों को दें, और जो आपको सबसे अजीज चीज़ हो वो जब आप कुर्बानी यानी अल्लाह की राह में दे दें, अल्लाह की राह में, तो सोचें अल्लाह पाक हमारे नबियों से कितना खुश हुए थे। तो जब आप अपनी अजीज तरीन चीज़ किसी को देते हैं इसमें बहुत कुछ हो सकता है, डिपेंड ऑन यू कि आपके कपड़े हैं चीज़ें हैं, तो ये शेयरिंग कहलाती है। जब आप अपनी अजीज तरीन चीज़ किसी ऐसे शख्स को देते हैं, वो जब गोश्त बनता है तकसीम होता है तो वो ऑफकोर्स एक पोर्शन में कि इनको भी देना है उनको भी देना है, ख़ानदान वाले पेरेंट्स फैमिली पड़ोसी गरीब फिर आपका भी उसमें हिस्सा है। तो ये जो शेयरिंग है हमें दो तीन चीज़ें सिखाती है, सेक्रीफाइस अपनी खूबसूरत तरीन अजीज तरीन चीज़ देना और मिल के शेयर करके खाना, ये सब हमें मोटिवेशनल मैसेज है। लाइक चलें वो अपने अपने सोच है, बात ये है कि मुझे बुरा पता क्या लगता है, बुरा ये लगता है कि जब हम शब्देबाजी में आ जाते हैं। यस, और ऐसा हुआ है, पर्सन ने कहा कि जी मेरा जो इस वक्त मैंने 1 करोड़ 60 लाख का जानवर लिया, यू नो अबाउट व्हाई यू मेंशन, गॉड इज एक्सेप्ट योर नीयत, बस आप क्यों कह रहे हैं। और बच्चों के सामने बिल्कुल ना ऐसी बातें किया करें, उनको भी ये मेंशन करें कि बेटा अल्लाह पाक ने हमें इस्तेताल ज़्यादा दी है तो हम अपने अल्लाह की राह में ज़्यादा दे रहे हैं, और कुछ लोगों को कम दिए होती है कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ये नहीं देखता कि आप बहुत बड़ा अगर ऊँट आप ज़बह कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको ज़्यादा पसंद किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो भी आपकी इस्तेताल है वो आप दें तो आपको अल्लाह पाक बिल्कुल इस चीज़ को पसंद करता है आपकी नीयत को, और फिर मिल के खाएँ। लेट्स सी, ये तो एक मैं हमेशा जब गुड मॉर्निंग विद सभी स्टार्ट होता है तो ये तो ईद शो है ना, लेकिन मैंने सोचा ईद से रिलेवेंट ही क्यों ना बात कर ली जाए। लेट्स सी, आज हमारे दरमियान बड़े ही बड़ी पर्सनालिटी, नाज मैं कहूँगी, मुझे बड़ा नाज है उस शख्सियत पर, और ऑफ कोर्स बेशक वो हमारे दरमियान खूब नहीं होते हैं लेकिन उनके नाम उनके नकूश दुनिया में रह जाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे लोग आज मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी के गेस्ट हैं ईद शो में, स्पेशल माई इन्विटेशन वो आए हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, एंजॉय करना है ईद का स्पेशल दिन। लेट्स सी, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर। और जिन लोगों ने अभी अभी टीवी ऑन किया है उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद का त्यौहार। और घर में जो इस वक्त हंगामा है सबको बहुत इंजॉय करें, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। जी हाँ, बात करी थी कि मेरे दरमियान बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं और ईद वाले दिन हम उन लोगों को याद रखते हैं जो बहुत ही ऑफ कोर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया इस वक्त लाइफ के साथ, अपने अपनों को खो के उनकी कमी को इस वक्त वो क्या फील कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स दिल करता है कि यार इस वक्त जो हमारे से जुदा हो गए काश वो हमारे साथ जिस तरह पहले थे वो, लेकिन ये ज़िंदगी की ऊंच नीच ऑफ कोर्स देखनी पड़ती है, खुशियाँ भी गम भी, क्योंकि ये साथ लेके चलने हैं। लेकिन वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल मैसेज होते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे पर्सन को बुलाऊँ जो वॉकिंग में यस स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने आगे बढ़ के उनके नाम को लेके चलना है, ये बड़ी बात होती है। तो इस वक्त हमारे दरमियान यहाँ पर वो शख्सियत मौजूद हैं कि जब कराची के बहुत ही बुरे हालात थे और जवान लड़कों की बहुत मौतें वाक़ हो रही थी और कराची में एक हू का आलम था, यू नो अबाउट, कि घर से निकलना मुश्किल और ये कुछ गैंग्स, मैं कहती हूँ गैंग वॉर थे, और लियारी में ख़ास तौर पे मैंने देखा कि वहाँ पर जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं आपस में लड़ रहे थे और लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। तो फिर एक शख्स ऐसा आया, एक ऐसी शख्सियत उजागर हुई, नमूदार हुई, जिसकी एंट्री बड़ी दबंग है। वो खुद जिक्रे वाला बंदा है और हमारे फोर्स को तो मैं आपको पता, मैं वैसे बहुत 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 लाइक करती हूँ और मैं सलाम करती हूँ अपनी तमाम फोर्सेस में, उनमें एक नाम है, एक वकार है, एक शेर दिल बंदा है। शायद मेरे अल्फाज कम पड़ जाएं, शायद आई एम नॉट कैपेबल कि मैं उनके बारे में कहूँ, मेरी ना इतनी औकात है ना हैसियत है, लेकिन मैं कहती हूँ पाकिस्तान का जिगर बंदा, पाकिस्तान का शेर दिल बंदा, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की आन बान शान, यस असलम चौधरी, एक ऐसा नाम जिसने जिंदगी में कभी सर नीचे नहीं किया, जिसने गोलियों की बौछार को कभी डर नहीं बनाया। बड़े बड़े तवंगर आए, बड़े बड़े गैंग वॉर आए, उसने सबको निस्तो नाबूद कर दिया और सबकी आंख में, सबके दिल के अंदर वो खुबने लगा। सब ने फिर मिल के एक जाल बिछाया, कुत्तों ने मिल के एक जाल बिछाया, शेर का शिकार करने चले। कहते हैं गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी है। वो जिया तो बुलंद वकार से जिया, उसने नाम बनाया तो बड़ा नाम बनाया। कहते हैं जो दुनिया से चले जाएं फिर भी उनका नाम लिया जाए तो कोई तो बात है। यस, वो हैं असलम चौधरी साहब। और आज ऑफ कोर्स जब वो खुद इतने बड़े बड़े दिल के मालिक हैं तो उनकी जो मैं उनकी मैं कहती हूँ जोजा से मिली, उनकी वाइफ से मिली, तो मैंने कहा यार मैं तो समझती थी कि सर असलम चौधरी साहब ही बड़े शेर दिल हैं, ये तो शेरनी कहाँ से आ गई। तो वाकई में शेर की बीवी शेरनी होती है। तो इस वक्त मौजूद हैं मिसेस असलम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मेरी तरफ से तमाम आपके तमाम चैनल वालों को ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कुछ अल्फाज मेरे कम तो नहीं पड़ गए? अल्फाज काफ़ी हैं, याद होना बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। आज मैंने आपको ईद के दिन एक तकलीफ दी, कहते हैं जब कोई बड़े बड़े दिन आते हैं तो अपनों को बड़ा याद किया जाता है। और अभी बात हो रही थी, मैं जब जाहिर सी बात है हम लोग कुछ कर रहे होते हैं तो कहते हैं यार नींद पूरी नहीं हुई, नींद नहीं आई, नींद का ये मसला। तो भाभी ने कहा कि, मैंने कहा कितने टाइम वो सोते हैं, तो उन्होंने कहा 8-8 दिन उन्होंने कभी नींद को ढंग से लिया नहीं। ऐसे कैसे काम करते थे वो? जब ऑपरेशन लीड करते हैं चौधरी असलम तो खाना भी भूल जाते हैं और नींद बड़े कम ऐसे में आती है, 2 कभी 1.5-4 दिन में, 3 दिन में, और मैं भी कंटिन्यू जब वो अरेस्ट हुए थे तो 7 दिन कंटिन्यू जाते। उनको वाइट ड्रेस बहुत पसंद है। वाइट ड्रेस दरअसल ये कि 98 के अंदर वो डीएसपी वो नाजमा बाप जब बने ओके उससे पहले लाइट कलर यूज़ किया करते थे चौधरी साहब ओके
तो मैंने कहा आप उस सीट पे आ चुके हैं अभी कलर, तो मजे बोला कफन पहले ले आइयो। ओए अल्लाह, फिर दिन रात उन्होंने वाइट ही पहना। ओए उनकी, मैं आप जाहिर सी बात है, चौधरी जो है फिल्म आ चुकी है और हमने देखी, ऑफ कोर्स अच्छा लगा, उसके लॉन्चिंग पे गए और बेस्ट ऑफ लक नेहा लाज, भाभी भी वहीं पे थी, तो उसमें एक सीन था कि आप ये ब्लैक ड्रेस पहन लें, ऐसे ही था ना। मैं भाभी हुआ था लास्ट से कोई महीना डेढ़ दो, उन्होंने आगे से कहा मेरे को रास नहीं आता। नहीं, रास की बात नहीं थी, जब वो नीचे गए पहनकर तो मैंने गनमैनों को कॉल किया ऊपर से कि चौधरी नीचे है, वो बोलने लगे कि कहाँ है। इसको जब पता चला कि मेरे गनमैन मुझे पहचान नहीं रहे, वापस आया ऊपर, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। ओह सो स्वीट, बस इतने ये इसमें था बाकी। अच्छा, कभी सिर्फ मेरी ख्वाहिश के ऊपर कोई 20-25 मिनट पहना ड्रेस ब्लैक, बस बेसिकली वो शलवार कमीज वाइट ही, उनपे जचता भी वाइट, ट्रेंड भी उनसे ही चल गया। अय अल्लाह। और वैसे उनकी क्या एक्टिव, वैसे तो माशाल्लाह, कभी कभार जैसे कहती थी ना कि आप अपना ड्रेस चेंज कर लीजिए, कभी कभी ना कहने लगे जब मैं नहीं रहूंगी ना ये ड्रेस बड़ा मशहूर होगा वाइट। ये बात तो सच हुई उसकी कि अमेरिका तक मैंने ड्रेस दी है उनके वाइट, पता है लोगों को जो उनके चाहने वाले। तो देखिए, इंसान जब वर्किंग करता है अपने जज्बे से, मेन चीज नीयत है। सही कहा। तो ये सारी चीजें हमारी में सारी पहले डिस्कस हो चुकी थी। अच्छा, मैंने क्योंकि चौधरी पे बाज टॉक शोज के अंदर ये होता है ना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ओके, काउंटर स्पेशलिस्ट। हाँ, ये बात मुझे बड़ी बड़ी लगती थी। अच्छा, अक्सर मेरी थोड़ी बहुत हो जाती थी कि एक दिन काबा गए हम उम्रे पे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा बताएं जनाब आज कोई बात करूं आपसे, सच बोलेंगे? बोला हाँ, काबा गवाह है, काबा के आगे कोई मुसलमान मोमिन बंदा झूठ नहीं बोलता। अरे अल्लाह, सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। बोला कि काबे के आगे अल्लाह ने मुजाहिद बनाकर भेजा है इस रहती दुनिया में जब तक मेरी जिंदगी है, और खुदा से मैंने शहादत की तमन्ना की हर उम्र में कि पहली निगाह में काबा पर नजर पड़ते ही के चौधरी कहते अल्लाह मुझे शहादत देना। सुभान अल्लाह, सुभान। कुछ बातें ऐसी हैं चौधरी असलम की लास्ट वीक के अंदर, के 10 days के अंदर जी, जो सारी सच हो गई कि मेरा जनाजा दुनिया देखेगी, मेरी इज्जत का मकाम देखना, फिर समझ जाना मैं क्या हूँ, ये मैंने देखा है। सुभान। और उनकी बेताशा इसी बात पे जिंदगी की ओर कहने लगे अल्लाह बस एक दुआ करना कि मुझे नॉर्मल डेथ ना देना, मौत जब भी आए तो जामे शहादत हो। तो अल्लाह ने उसकी वो पूरी कर दी थी। अच्छा, हम जब मूवी देख रहे थे ना तो ऐसे लग रहा था कि जैसे अच्छा उनकी एंट्री, उनका बोलने का स्टाइल, ऑफ कोर्स वो भी उन्होंने एक तारिक साहब ने फॉलो किया, प्ले किया गया। हाँ, रियल जो है ना। अच्छा, रियल जो और ज्यादा चेंज है, बेस आवाज की, उसका जज्बाती होना। अच्छा, मुझे तो वैसे खौफ आने लग गया था, मैं सच कह रही हूँ, मैं उनको स्क्रीन पर देखते जा रही थी और मेरे दिल में मतलब एक नहीं, वो उतना मजा नहीं आया उसमें, मतलब ठीक है, एक कैरेक्टर को प्ले किया ना, ठीक है ठीक है, जो रियल तो रियल ही होता है। रियल की बेस जब मेरा घर ब्लास्ट होता है, वो चौधरी को कंट्रोल कर सका कोई नहीं, बिल्कुल उसके वो लफ्ज उस पे इतने ज्यादा नहीं है, वो एहतियात के साथ जरा बनाएगी जैसे बोल, वो भी है सेंसर बोर्ड है सारी चीज़ है। 20 साल का करेक्टर है चौधरी, तीन करेक्टर पे कहानी नहीं है, नहीं नहीं पॉसिबल। अब ये नेहा का, नेहा ने भी बड़ी चीजों का सामना किया, ठीक, उसको थ्रेड्स आई, कॉल्स आई कि इसको हीरो बनाकर पर्दे पे मत पेश करो। फिर इसने एक रात मुझे कॉल किया, भाभी मैं क्या करूं? मैंने कहा आप ऐसा करें, या बनाएं या बंद करके रख दें। मैं करेक्टर लीड करती हूं चौधरी का 8 साल से। कहती है नहीं, मुझे आपको देखकर बड़ी हिम्मत, आप भी तो एक लेडी है ना, आपके पास तो बच्चे भी हैं इतने। मैंने कहा जी मेरी तो फैमिली का हिस्सा है बहुत बड़ा। तो कहती है नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी, कुछ भी हो मैं बनाऊंगी। इसने 4 साल इसी वजह से, बड़ी बात है, बड़ी डाउन जरूर आते हैं, मगर उस बंदी ने जो भी है जैसा भी है एक करेक्टर शो किया, बिल्कुल ठीक। सारी चीजों को जब मैंने मूवी देखी, मेरे किरदार क्या थे लाइफ के, वो नहीं थे, बड़े डेंजरस भी रहे किसी मोड़ पे। क्या बात, चौधरी को पाने के लिए हम कहां तक जाते हैं, चौधरी को पाने के लिए उम्र की दुआओं के लिए कहां तक ना पहुंचे। क्या बात,
तो वो चीजें नहीं थी नेहा ने, सिर्फ एक मसला इससे ये हुआ कि इसका राइटर मुझसे मिला नहीं। अच्छा ठीक है। उन्होंने बैग बैग से इंक्वायरी की, जेल से की कि भाभी का, जेल से उनको ये मिला कि भाभी एक स्ट्रॉन्ग वाइफ थी, उनके एसएसपी ने बताया, मुझसे नहीं पूछा। तो बहरहाल उसने जो भी पिक्चराइज किया जितना किया, मगर माशाल्लाह मूवी चौधरी की वजह से नाम से हिट हो गई है। और मेरी ये आवाम से दरख्वास्त है, सीद के मौके पर जाकर 2 घंटे चौधरी के लिए ज़रूर निकालें। चौधरी ने 20 साल इस माँ मट्टी को दिए हैं। ये देखे ना, देखो कुछ चीज़ें मालूम नहीं होती ना, तो हमें ये चीज़ें जब तक अवेयरनेस नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा। नहीं, वो कुछ चीज़ें उनकी यूट्यूब पे और गूगल पे है। ठीक है, हकीकत। लेकिन आपका जुमला बड़ा मुझे क्लिक किया है कि आप इसको हीरो बना के क्यों पेश कर रहे हैं, अभी भी मरने के बाद भी दुश्मन नहीं खत्म हुआ। कहती पाकिस्तान, पाकिस्तान पुलिस के अंदर चौधरी असलम जैसा कोई मर्द है तो बता दे। बड़ी बात, ये मेरा दावा है। बड़ी बात के साथ बड़ी ईद आप सबको बड़ी मुबारक हो। और यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, क्योंकि इसके बाद भी एक शख्सियत के ये कहूँगी आगे कनेक्शन है खूबसूरत सा, और सरप्राइज़ अभी बताऊँगी, बता दिया तो फिर आप सरप्राइज़ नहीं रहेगा ना, तो वो भी ऑफ कोर्स हमारे मुल्क का बहुत ही नामवर नाम। और यकीन करें जब हम सुनते थे एक सुरूर था, एक महफिल सजाते थे, लोग झूम जाते थे, ऑफ कोर्स आज उनकी कमी भी बहुत महसूस की जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े जब इवेंट्स होते हैं तो हम उनको जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, रहना है सभी के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ऑफ कोर्स मैं बात कर रही थी कि हम उन लोगों को भूलते नहीं हैं जिन्होंने अपना एक नाम बनाया, एक वकार था उनका, और हम उनसे एंटरटेन भी होते थे, लेकिन अब वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन हम याद करते हैं उनको, और उनकी नकूश, उनकी एक अक्स हमें यहाँ नज़र आते हैं। और मुझे अच्छा लगा आज उनके एक ख़ास एक रिलेशन है बड़ा प्यारा, और बहन की बेटे का जो एक रिश्ता होता है ना, बहन का जो बेटा होता है वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, वो एक मामू भी थे, यानी उनके खूबसूरत रिलेशन थे। ऑफ कोर्स मैं नाम ले रही हूँ, एक बड़ा नाम है वो अमजद साबरी साहब का। तो आप सोचेंगे सभी आज बड़े याद कर रही हैं, ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलती जिनको हम अपने स्क्रीन पर देखते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और डिफरेंट पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम बनाया, और उनके वालिद साहब ने भी। लेकिन आज उनका एक खूबसूरत सा, मुझे ऐसा लगा जैसे अमजद साबरी साहब की जो है ना वो बचपन यहाँ पर बैठा हुआ। तो मिलवाऊँ आपको जी, यहाँ पर बैठे हैं अब्दुल्ला साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा, आई एम वेरी लकी कि मैंने अमजद साबरी का भी इंटरव्यू लिया था, तो मतलब मैं लकी हूँ फिर। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप, जब मैं आपको देख रही हूँ, और उनका, उनसे मैंने एक दो फरमाइश भी की थी, मुझे वो भी याद है कि मैंने कहा यार अमजद भाई सुना है ना, वो लड़का है खुदा के घर का, लड़की ये है नबी के घर की, तो यकीन करें उन्होंने। हाँ, वो मैं आपको बताऊं तो चंद दिन पहले ये शादी है मौला अली और बीबी फातिमा ज़हरा गुजरी हुई है। अल्लाह, तो वो बस उस वक्त मुझे अब ये बात हो रही है 4-5 साल 5 साल 6 साल पुरानी बात है, लेकिन वो बंदा था सदाबहार, आवाज़ के सुरों का जादू उसके गले में अल्लाह पाक ने गॉड गिफ्टेड डाला था, हमारे मुल्क का एक नाम बनाम, और फिर वो भी नज़र हो गया। ऑफ कोर्स आप अच्छी तरह जानते हैं। खैर, वो जिस तरीके से नज़र हुए वो तो मैं भी जानता हूँ, और भाभी भी जानती हैं, आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया ही जानती है किस तरीके से हुए। और अब चूँकि ईद आ रही है, हाँ, तो कुछ याद में कुछ हमारे लिए तो खैर ईद ईद नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से वो थे, क्योंकि बेसिकली ना हमारा जो ददियाल है जी जी, वो मेरी नानी के बैक पे ही है। अच्छा जी, तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट टाइम हम लोग साथ रहते थे साथ, और स्पेशली इन बकरा ईद। किसी वक्त मुझे साबरीन साहब ने इसको अपने कंधे पे बिठाया होगा, मेरी बहन के घर बेटा पैदा हुआ।
मैं ऐसी चीजें सोच रही हूँ ना, अल्लाह फिर तुम्हें ईदी देते होंगे, ऐसा सब कुछ होता है। ईदी और उसके बाद जब हमारा हमारे यहाँ जानवर आते थे तो बाहर हम लोग हमारे यहाँ तख्त लगे होते थे। यस। और लाइक हम लोग मामू जान बैठे हुए करते थे, तमाम घर के मुझ समेत खानदान के जितने छोटे बड़े जितने बच्चे थे सब बैठते थे। और फिर उमर शरीफ साहब बहुत आते थे और हमारे पाकिस्तानी सिंगर रऊफ साहब वो बहुत आते थे। और इस तरीके से बहुत सारी मीडिया आता था और जितने भी स्पोर्ट्समैन हो गए। लालू के तो बड़े टैलेंटेड लोग थे सब इस पाकिस्तान। अमजद साबरी एंड उमर शरीफ दोनों ही लालू के, एंड थर्ड वन इज अब्दुल्ला साबरी। अच्छा मैं चाहूंगी थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा मैं आपकी फरमाइश पहले पूरी कर देता हूं। सभी खुशहाल, क्या बात है, सभी खुश है, खुदाई भी खुदा भी अली के साथ है, जहरा की शादी अली के साथ है, जहरा की शादी। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, अर्ज़ समा का मालिक वो मलका बरोबर की, अर्ज़ समा का मालिक वो मलका बरोबर की, ज़मीर अक्सा ज़मीर अक्सा है रक्सा आसमां भी, अली के साथ है जहरा की शादी। बारात चली हैदर की रहमत के साए साए, बारात के आगे आगे हर एक खुशी में गाए नबी सारे, नबी सारे चले बनकर बाराती, अली के साथ है जहरा की शादी। ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है, ये शादी है, ये शादी है, ये शादी है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त यार, आपने तो ईद का समा बांध दिया हमारे लिए। तो बस ये आप खुश नसीब हैं कि आपने हमको बुलाया। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा लगा भाभी। कभी कभी भाव यानी कि आपके जो चौधरी साहब हैं, वो नाम भी उन्होंने चौधरी साहब, उन्होंने ऐसा कर दिया कि हमारे दिल में दहशत पड़ी। चौधरी साहब ने कभी खुद भी कुछ वैसे तो बोलते, उनका जैसे बोलना स्टाइल तो बड़ा खूंखार बबर शेर वाला है, लेकिन वो कभी कभी आपके साथ आए जी, आपको घुमा के लाता हूँ, कोई फिल्म दिखाने लेके जाता हूँ, कभी ऐसा किया? नहीं, हमारी जिंदगी ऐसी नहीं कभी। रियली बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ में एक दफा 2012 की बात है, शादत से थोड़ा टाइम पहले। अच्छा, वही छोटी सी बात हो गई, जैसे लेडीज करी जाती है। ओके। जिंदगी तो कुर्बान कर दी। अच्छा, हमने कभी डिनर साथ नहीं किया, कभी भी नहीं, एक दफा के अलावा, वो भी छोड़ना पड़ा हमें, चलो जी बैकअप करो, पब्लिक जमा हो गई। ओके, ट्रिन 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 हेलो, वो फिर वजह ये होती है कि अगर अल्लाह ना करे, देखो खानदान भी है, मसाइल भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ना हो कि मिसेज ने अपनी उंगली से रख के घुमाया मार्केट में, हमने जवानी में कुर्बानी दी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तो नहीं होती। लेकिन भाभी मैं एक चीज सोचती हूँ कि ऑफ कोर्स और भी लोग हैं, डीएसपी हैं, एसएसपी हैं, देन कभी ऑफ कोर्स अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। ये चौधरी सब कौन सी मिट्टी के बने हैं भाई? पता नहीं, रूही दुनिया से अलग पैदा हुई है। उनकी फर्स्ट वाइफ जो थी ना, वो जॉब थी। अच्छा, सब मेरे घर मैनों को पता, आते और सोते और चले जाते, उन्होंने अपने घर में घूम कर टाइम नहीं गुजारा, बस रूम से सीधा बस इतना ही कुछ। पर मैं कहूंगी एक बात जरूर हर चैनल पे के, जी जी, अगर ये सिंध पुलिस करना होता, इसकी आदतें इतनी प्यारी हैं कि इसमें खुसूसियात वली जैसी है। चौधरी जो दुनिया को लगता है घर में कुछ नहीं है। वैसे गुफ्तगू क्या क्या करते थे, कभी आउटडोर की बात करते थे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, कभी गुफ्तगू की आज उसको मैंने ऐसे मार दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने छह कत्ल किए थे, मैंने उसको छोड़ा। हमारे सरहद के पीके के मर्दों की बड़ी शान होती है, वो बड़ी ईगो में रहते हैं। अच्छा, बीवियों को ये नहीं कहती मैंने ये कर दिया, बोला जो किया वो सही है, वक्त बता दूंगा। ओके, जो भी हम टीवी पे देखते हैं ना, लाइव कवरेज चल रही होती है, अगर मैं कहूँ की ये आपने क्यों नहीं, ये रिपीट में था। अच्छा, इसको भी निगलेक्ट करेंगे? रियली ऐसा नहीं है, हमारे मत कहानियां स्टोरियां नहीं सुनाते। ये मूवी की जो बात है ना, उन्होंने शादत से पहले ऐसे ही रात का टाइम था, मजाक
क्योंकि मेरी लाइफ में देखना शायद हो सकता है कि पाकिस्तान में मूवी बने। मैंने कहा वो कैसे? बोला आपको सारा तो नहीं पता ना, किरदार बोलता है। किरदार बोलता है अंदर से, वो बहुत रूहानी थे ऐसा लग रहा है मुझे, से जब पहले से कुछ कहा और वो हो गया। ऐसे कुछ सोचती हूँ, ऐसा कैसा नहीं बस कि जो कहा वो हो गया। तकदीर से तकदीर मिली, पावर बनी और चला आया चौधरी। 93 में मेरी शादी, 94 में ऐसे तो गुलबारा। आगे सोचिए, वो बोला ना चौधरी जब सिंध में उसका लिखा जाएगा तो दो बार दोहराया जाएगा तारीख में। मोहम्मद असलम खान चौधरी असलम कैसे बनता है, वो एस एच ओ के बाद चौधरी बनता है। बड़ी बात। जब यहाँ पे दिन दिहाड़े लोग नहीं निकलते थे, गुलबार सबसे ज्यादा सेंसिटिव था, खजी ग्राउंड सबसे बड़ा गन था, ये ब्लड बूटियां गोश्त की इंसानी दीवारों से होती थी। चौधरी पैदाइशी थोड़ा ही ऐसा था। वो आदमी था जिसने कहा मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप नहीं कर सकता, मुझसे पैसे लेने मुझे रोना आएगा। सवाल बीवी भी करती है, ये क्या हुआ चौधरी फिर तुम्हें? बोला इंसाफ करना पड़ता है। बहुत बुरे लोगों का नाम, यानी कि बुरे लोगों को मिटाने वाले में एक बड़ा नाम था, वो था चौधरी का नाम, मैं कह सकता हूँ। खैर चौधरी असलम के सामने तो मैं नहीं समझती कोई दहशतगर्द इतनी ताकत रखता है सामने। बहुत मुश्किल। और ये दहशतगर्द असल में खुद ही इतने डरपोक होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर उनकी अगर दहशतगर्द इतने अच्छे हों तो प्लानिंग भी सामने करें। ये छुप कर प्लानिंग करते हैं, इनके सीने में दिल नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता। ये गेदड़ के बच्चे होते हैं। मर्द का मुजाहिद वो होता है जो सीने पर वार करता है। कुछ नहीं किया चोली ने। बोला चौधरी असलम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, चौधरी जेली इनकाउंटर करता है अपनी बीवी के लिए नहीं करता रहा। इस कराची की आवाम के लिए, इस कराची के लिए उसने जान गंवा रखा। देखिए उसके पास भी चॉइस थी, अमेरिका की, इंग्लैंड की, मेरे सामने प्रोफेसर थे, अपने मुल्क से आगे कुछ अपनी माँ बेटी को नहीं छोड़ सकता, जल्दी लॉबी में नहीं छोड़ता। अच्छा चौधरी साहब का पासपोर्ट है, भाई उम्र का वीजा। अच्छा उनके पास बड़े ऑप्शन थे, वो जा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि उन्होंने अमेरिका में भी उनके ऊपर आर्टिकल लिखे गए और बीबीसी लंदन ने भी ब्रेक किया 20 मिनट इसके। चौधरी असलम वो है, और इंग्लैंड के अखबार गार्जियन उसमें भी इसके बीबीसी हर बरसे पे भी करता है। मेन टच होती है ना, मुझे पता होता बरस में ऐसे तो मेरे सामने कहीं बैठे हुए थे तो न्यूज़ हैं, लेटर्स आ रहे हैं। अच्छा ये नहीं है चौधरी को इंटरनेशनल मार्केट में लड़ सकती है। ऑफिसर फोर्स बड़ी पड़ी है, काम कोई नहीं कहता कि आप हाथ बांधे और करो। अच्छा एक सीन था जो अगर इरादा रखते हो तो उतरो मैदान में। भाभी एक सीन था जिसमें बच्चा आपका वेट कर रहे हैं अपने बाबा का, और वो कह रहे हैं कि मुझे मतलब उनकी बर्थडे है बच्चे की, और वो उनको प्रॉमिस करके जाते हैं। ऐसे कई प्रॉमिस हैं जो कभी पूरे नहीं होते, बच्चे ऐसे ही रहते थे छोटे से। और बोला बच्चे बड़े हो गए, बच्चे करते करते बड़े हो गए, वो नाराज होते थे कि पापा कल हमारी इतनी बड़ी बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी आप नहीं आए। बोला तुम्हारा बाप दुनिया को साफ करने में लगा हुआ था, क्लीन चट करने के चक्कर में बच्चों की जो है वो प्रोग्राम। एक बेटी की अच्छी को उन्होंने जो अतावला प्रोग्राम इन्होंने रखा जी जी, वो ये रियल प्रोग्राम मेरे घर के पास ही था। अच्छा मेरे बेटे के अकीके पे था। अच्छा। जो ब्लैक ड्रेस वहाँ पे शो किया गया okay. ना उसकी बात कर रही हूँ, तो वो उस प्रोग्राम में बड़े थे क्योंकि अतावला सहेलवी को पसंद बहुत करते थे वो प्रोग्राम में। हाँ वो उनका मैंने देखा था सॉन्ग भी। हाँ। अच्छा जैसे भाभी ऑफ कोर्स जिक्र कर रही हैं, देखिए अपनों को बिछड़ के या जुदा हो के भी हम ऑफ कोर्स दुनिया की रवानी में मजबूरी है, या एक ये कहूँगी कि ज़रूरी है, और आखिर इनके भी बच्चे हैं आगे चलना है, अब इनके मामू हैं ऑफ कोर्स तो दुनिया में वर्किंग करनी है। अगर ये उनका नाम लेके चलेंगे, इनके ऑफ कोर्स औलाद है, ये अपने मामू का अमजद साबरी साहब की आवाज़ बने, कुदरती गॉड गिफ्टेड इनके अंदर वो ऐसा ही, तो क्यों ना उनका नाम लिया जाए और उनके उनकी आवाज़ को अगेन प्रेजेंट किया जाए। ये एक खुशकिस्मती की बात है हमारे मुल्क में। बात करूंगी अमजद साबरी की, और ऑफ़ कोर्स यहाँ पर अब्दुल्ला साबरी साहब बैठे हैं। तो साबरी साहब जब ईद की त्यौहार की बात हो रही है, अपने घर सब बैठते हैं, तो मामू कितने कम से कम कितनी आपको देते होंगे ईदी, ऐसे ही सोचते कैसे देते होंगे?
ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऑफ कोर्स उनकी इनकम अच्छी है तो उसका मतलब अच्छी ईदी मिलती है। ये जब रात को, ये जब ऑफ कोर्स बड़ी ईद है तो बोटियां छुट्टियां बन रही हैं, खुद ही किचन में चले जाते थे? बिल्कुल ऐसे ही होता था। शुगल से आए हैं, चलो वो बहुत जॉली इंसान थे। आई नो, वो तो बोलने की बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े थे। सो स्वीट। तो आप यकीन माने, मैंने उनके साथ, हलीम होता है एक्चुअली मुहर्रम में, बिल्कुल, तो मैंने उनके साथ एक ही देख में खड़े होकर घुटे भी लगाए। अल्लाह। मैंने उनके साथ सीख पे बोटियां भी सेकी हैं। और फिर आप लियाकताबाद मार्केट में जाके देखेंगे तो एक बच्ची को ऑपरेशन के लिए आई थिंक कोई 2-2.5 लाख रुपए की जरूरत थी। तो आपने एक वीडियो देखी होगी कि हम जैसे साबिर साहब चने की चाट बेच रहे हैं। ओके। वो उस बच्ची के लिए उन्होंने डोनेशन इकट्ठा करना था, जो कि उन्होंने विद इन 1.5 आवर उन्होंने किया। बड़ी बात है, ये रमजान शरीफ की बात है। सुभान अल्लाह। मे बी इट कुड हैव 14 or 15। चलो, किसी के लिए ये भी तो सोचना बड़ी बात होती है, क्योंकि दरअसल है मखलूक की खिदमत इबादत, दरअसल है मखलूक की खिदमत इबादत, अल्लाह तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। आए हाय हाय, बड़ी बात है वाकई में। कभी कभी सोचती हूँ क्या जानवर दे रहे हैं या कोई भी हम दुआ कर रहे हैं किसी के नाम की, अपने माँ बाप की कुछ न्याज है, तो अल्लाह पाक को तो कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ नीयतें देखते हैं कि आप अच्छा एक जरिया बनते हैं। लेट्स सी, हम लोग बात कर रहे हैं ऑफकोर्स अमजद साबरी की, एक और कुछ आपका दिल कर रहा है कि कुछ और एक सुना दें? जो मेरा दिल कर रहा है वो मैं आपको सुनाइए। ईद का त्यौहार है, हम सुनेंगे बिल्कुल। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हो लौट कर मैं ना झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, उन नवासों का किन नवासों का, उन नवासों का किनका, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। क्या बात है, क्या बात है। आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुन देते जिसको, अर्श वाले भी सुन देते जिसको, क्या आजादी आजाने बेलाली, क्या भर दो झोली। आप लोगों ने नाजी कहीं नहीं जाना, यहाँ पर बड़े खूबसूरत मेरे गेस्ट मौजूद हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। का किचन, और ये है मेरे साथ, कौन मेरे साथ, मेरी शेफ शाहिना सुमाइल। अस्सलाम वालेकुम, मैंने ईद मुबारक। हम मिल चुके हैं, ये आप लोगों को दिखा रहे हैं, हम पहले से मिल चुके हैं। अच्छा जी, आज है ईद का जबरदस्त सेकंड डे, और जो हम लोग जो ऑफकोर्स बकरा ईद पर इस वक्त सब लोग जो है बड़े परेशान हो रहे होंगे कि क्या क्या बनाना है। घर में तकरीबात जो हैं वो बड़े मज़े से चल रही हैं, कलेजी, कीमा, कबाब और रान और पता नहीं क्या क्या का, वल्लाह आलम बहुत कुछ है। तो आज आप ये बताएं हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में क्या ईद स्पेशल बना रही हैं। यस,
चलें जी अब आप बात करें, मुझे देख रही हूं। दिस इज मी शेफ शाइना शुमाइल, गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस एसटी टीवी, ईद मुबारक आप सबको, बहुत सीख लिया इसने, बड़ी ईद मुबारक आप सबको, ईद उल अज़हा मुबारक, और आप सबको ईद की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूंगी और एक मैसेज देना चाहूंगी। इस ईद पे आप लोग कुर्बानी तो करें, लेकिन कुर्बानी करते वक्त अपने सात हिस्सों को किस तरह से तकसीम करना है उनको तकसीम करने का जरूर ख्याल रखना है आप लोगों ने, कि कौन सा हिस्सा किसका हक है, किस कौन मुस्तहिक है, उनके घरों में आपने जरूर कुर्बानी का गोश्त पहुँचाना है और अपनी नियतों का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये कि हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और सबसे पहले मैं इतनी एक्साइटेड हूँ सभी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं जो है वो डिफरेंट जगह पे ईद सेलिब्रेट कर चुकी हूँ और डिफरेंट चैनल्स पे, लेकिन जो मज़ा मुझे यहाँ वीनस एचडी टीवी सूट प्यारा लग रहा है, बहुत जल्दी चेंज हुआ है, ये कितनी शार है, कसम से जो पहन के आई थी उन्होंने चेंज किया, ईद का दूसरा दिन है, सभी इतने डार्क कलर में, तो मैं क्यों लाइट कलर में हूँ, ये जेलेसी है। आज डिश का नाम जरा बता दीजिए। डिश का नाम है आज कचरी का कीमा और ईद कचरी, कचरी मतलब कचरा, फिर कचरी कीमा, कचरी ये कौन सी मतलब दिल्ली वालों की है या मुंबई वालों की, किसकी? ये दिल्ली वालों की स्पेशल डिश है, और ये डिश दिल्ली वाले जो है ना, तमाम दिल्ली वाले मुझे पता है अपने घरों में जो अम्मियाँ है ना हमारी, सबसे पहले ये कीमा बनाती हैं, कलेजी तो बनती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सेकंड डे क्या होता है कि ये वाला कीमा जरूर जरूर बनता है। और मेरी अम्मी भी यही करती थी, और उन्होंने जब हम सुबह उठते थे ना, क्योंकि हम जरा देर से उठते थे, तो अम्मियाँ बेचारी सुबह जल्दी उठ के सारे काम वाम कर लेती हैं, खाना वाना बना के रखती हैं, तो हमारा घर में ये कचरी का कीमा रेडी होता था, और ये उन्हीं की रेसिपी है। इन्होंने कहा कचरी का कीमा, मेरी वालदा, ऑफ कोर्स मेरी वालदा दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, और वो बनाती हैं कच्चे कीमे के कबाब, और नहायत ही लजीज, यकीन करें, और वो तमाम लवाजमात जो हमारे लिए बेनिफिट है उनके, पुदीना और लहसुन, अदरक और अनारदाना, यकीन करें हर चीज़ बहुत अच्छी, वॉश आउट धो के और फिर उसे बिल्कुल पीस के, वो भी सिल पे, बड़ी मेहनत होती है इसमें, लोग कहते हैं मशीन, ऑफ कोर्स अब टाइम इतना नहीं होता, लेकिन वो सिल पे वैसे मेहमान दस्ते से कूट कूट के, जब वो जब तवे पे बनता है उस, एक तो वो बकरे का गोश्त, सॉरी बकरा ईद का गोश्त जो है ना, वो बहुत जल्दी गल जाता है, इतना टेस्टफुल, इतना मज़ेदार, इतना यमी कि मैं बता नहीं सकती। लेट्स सी आज जो इंग्रेडिएंट्स इसमें कौन कौन से, मेरी जान ये बताइए। हम अपने गेस्ट की तरफ भी चलेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले हम ज़रा इनके इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि ये कुकिंग में लग जाए, फिर हम चिट चैट में चलेंगे। चले जी, ये टिश्यू पेपर यहाँ से हटा दीजिए ताकि हमें ज़रा क्लियर, यस ये मुझे दे दें, यस अब स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बता रही हूँ आपको कचरी के कीमे के इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मेरे पास कीमा, क्योंकि हम बना रहे हैं कचरी का कीमा, तो कीमा मेरे पास 750 ग्राम कीमा मौजूद है, हाफ कप मेरे पास योगर्ट मौजूद है, जीरा मेरे पास 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे जायका और कुटी लाल मिर्च मौजूद है, गरम मसाला 1 टेबल स्पून मौजूद है, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर मेरे पास 1 टीस्पून मौजूद है, हल्दी 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल होगा, और इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट आएगा वो जाएगा कचरी पाउडर, कचरी पाउडर 1 से लेके 2 टेबलस्पून तक आप डाल सकते हैं इसमें, और मेरे पास जो मौजूद है यहाँ ग्रीन चिलीज मौजूद हैं वो मेरे पास इसमें शामिल होंगी, और कच्चा पपीता मेरे पास यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब मौजूद है, वो इसके अंदर शामिल होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास मौजूद है, और ये ग्रीन चटनी है फॉर सर्विंग हमने रखी है, और ऑयल हमारे पास यहाँ हाफ कप मौजूद है। अच्छा, इसमें अनियन जो है हमारे पास एक नॉर्मल साइज की जाएगी, जिसको आपने रफली सा स्लाइस कट कर लेना है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ मलका का मसाला मौजूद है, और हमारी मलका है किचन की, गुड मॉर्निंग विद सभी की, वो शेफ शाइना स्माइल। ओके, अच्छा जी, स्पाइस मैंने एक चीज नोट की है, स्पाइस वही जो घर में होते हैं, जीरा, कुटी हुई मिर्च, नमक वगैरह जो है एक किचन में होते हैं, वो तो इसके अंदर डलेंगे, लेकिन जो क्योंकि इनकी डिश का नाम है कचरी का कीमा, तो कचरी जो है वो आपको परचेज करना पड़ेगा, और मजीद टेस्ट अच्छा करना हो तो मलका मसाले का, हाँ अच्छा इसमें बताती चलूँ, यहाँ मेरे पास मलका मसाले का चपली कबाब मसाला मौजूद है, और हम इसके अंदर इसको फ्लेवर देंगे, क्योंकि चपली कबाब, कचरी का कीमा और कोफ्ते कुछ ये ऐसे डिशेज हैं जो रिजेंबल करती हैं एक दूसरे से, तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ये भी डालेंगे फॉर टेस्ट के लिए, और बहुत मज़ा
और लज्जत एक साथ। यस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम हमने ऑफ कोर्स ग्लैम गैस थैंक्स फॉर स्पेशली स्टोव इनके। अच्छा ब्लू फ्लेम नोट कर रहे हो, ये लगती बड़ी कितना प्यारा जैसा फ्लावर चल रहा है। अच्छा बेसिकली इनकी जो ये ब्लू फ्लेम है ये बर्तन को ब्लैक नहीं होने देती और खाने में मतलब हम कहते हैं ना बहुत तेज़ भी हो हमें हीटनेस महसूस नहीं करती। जबरदस्त। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साथ साथ मैं एक चीज़ बताती चलूँ। yes. एक मेरा मैसेज था और वो मैसेज मैंने देना है। mm-hmm. ठीक है, और मैसेज ये देना है कि आपने जब गोश्त बनाना है और गोश्त खाना है, कुर्बानी के दिन चल रहे हैं और कुर्बानी का दिन है आज भी, तो आपने वेजिटेबल्स को कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करना है। तो आपने वेजिटेबल्स को सर्व भी करेंगे तो हम यहाँ मेरे पास में बता दूँ कि मैंने कौन सी वेजिटेबल्स ली हैं। मैंने यहाँ लिया है, मैंने पर्पल कैबेज ली है, मैंने कुकम्बर लिया है, मैंने कैरेट ली है यहाँ, और मैंने कैप्सिकम ली है यहाँ, और मैंने रेड टोमेटो लिया है, और टोमेटो वैसे रेड ही होता है, ये ज़्यादा हो गया, और मैंने अनियन लिए यहाँ पे। तो हम इसको सौते करेंगे और इसको सर्व करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम अपना मसाला रेडी कर लें और हम अपने मसाले मैरिनेट। शाइना ने कि हम लोगों को जब ये गोश्त वगैरह खा रहे होते हैं एक दही का और स्पेशली सैलड का जैसे प्याज वगैरह इसका बहुत जो है इस्तेमाल किया जाए। ठीक है चलें जी। अच्छा सबसे पहले तो मलका मसाला 1 टेबल स्पून मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मलका मसाला इसके अंदर शामिल करा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसमें कचरी पाउडर जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, कचरी पाउडर 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ है, मैं कचरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज मैंने इसमें शामिल करी हैं और कच्चा पपीता मैंने इसमें शामिल करा है, और मैं इसे साथ साथ मिक्स भी करूँगी और बाद में हम इसको हैंड से भी मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने ये मसाले डाले हैं। ठीक है, और कुटा हुआ धनिया जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ ये शामिल करा है। लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, आप लोग इस्तेमाल करना शुरू करें इसे खानों में, मैंने इसमें ये शामिल किया है। और हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, सॉल्ट, रोस्टेड क्रश क्यूमिन, ब्लैक पेपर और पिसी लाल मिर्च, वाह वाह ये तमाम मसाले और अदरक लहसुन, अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो मेरे पास यहाँ, मैं वो भी शामिल करूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करा है। सारे बर्तन मुझे पकड़ा दो। अच्छा योगर्ट मैं इसमें 1/2 कप शामिल कर रही हूँ। गुड, और 1/2 कप मैंने इसमें योगर्ट शामिल कर दिया। गुड हो गया जी, गुड। अच्छा साथ साथ मैंने यहाँ क्या करना है, हमारा पैन जो है वो गर्म हो चुका है। ठीक है, और हम क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। अच्छा मैं इसको मिक्स भी कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कीमे में, और मैंने यहाँ इसको ऑयल डालने जी इसमें। ओके, हम वेजिटेबल्स को सौते ऑयल ऐड कर लेंगे। तो बड़ी ईद पे जबरदस्त किस्म की डिश गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड शेफ शाहीना शुमाइल के साथ कचरी कीमा जी। तो कचरी का कीमा यहाँ बन रहा है। yes. और ग्लैम गैस का किचन है ये, और मलका मसाले हमारे पास मौजूद हैं। तो मज़ा दुबाला हो जाएगा, ईद पे आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अच्छा मलका मसालों के बारे में मैं एक बात बताती चलूँ कि ये पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं अपने मसालों में, जो अब तक कोई भी ब्रांड यूज़ नहीं कर रहा है। yes. और ये गैर मुज़ीर सेहत मसाले नहीं हैं इनके, और आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने कोशिश करिए कम से कम प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर शामिल करें। पिंक सॉल्ट का है, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी मैंने ये आयोडीन और दूसरे नमक का इस्तेमाल करके हमने अपनी ज़िंदगी से ख़ास चीज़ों को निकाल दिया, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है पिंक सॉल्ट, और आप लोग बिल्कुल बल्कि इनके तमाम मसालों में यूज़ किया जाता है जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये हल्का ऑयल डाला है आपने जी, ये मैंने कम ऑयल डाला है। ओके ठीक है, और ये ऑयल मैंने कम यूँ डाला है कि मैं आप मेरी वेजिटेबल्स मुझे दे दीजिए सभी। ओके ठीक है, मैं आपको असल में आपने मुझे बर्तन देती जा रही थी, मैंने उसको बेचारे को थोड़ा सा जी दबा दिया। अच्छा ये वेजिटेबल्स मैं इसको सौते करूंगी। ठीक है, और ये ऑयल मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब डाला था। मुझे लाए मुझे। और ठीक है ठीक है ओके, अनियन हम इसके अंदर डालेंगे। ओके सबसे पहले अनियन डालने हैं, कैरेट डालेंगे हम। ओके, कैप्सिकम इसमें शामिल करेंगे, एंड देन कुकम्बर और पर्पल कैबेज, एंड देन टोमेटो ये लीजिए, ये हमने इसमें शामिल करा है, ये लीजिए, और हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा ये कीमे में जो मैंने दही में मसाला डाला है, और ये जो हमने दही में मसाला डाला है, तो ये सारा हमने मिक्सचर तैयार करा है। आपने इस मिक्सचर को जो है ना मैरिनेट करना है 1-2 आवर, और ये जो है हम यहाँ सौते कर रहे हैं अपनी वेजीज को, ये
वाह वाह, ये हमने मुझे भी सिखा दो यार, ये बस ठीक, ये ठीक है, हमने ये सौते करेंगे और आपने बहुत ज्यादा इसको कुक करने कुक नहीं करना, और हमने इसको सौते करके निकाल लिया है, ठीक है, और इसको हम सर्व करेंगे इसके साथ कीमे के साथ जब हम इसको गार्निश करेंगे। मुझे कहीं से ऐसे बिल्ली की आवाज आई, मुझे लगा जैसे ही हम लोग कुछ ऐसी चीजें गोश्त टाइप की बनाते हैं बिल्लियों की आवाज जी। अच्छा, ऑयल मेरे पास यहाँ मैंने हाफ कप से ज्यादा ऑयल लिया है, ठीक है, और साथ साथ ये जो अनियंस है मैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है, और जब तक ये हमारी अनियंस जो है वो थोड़ी सी हल्का सा ब्राउन करने इसको इसको हमने ब्राउन करना है, ठीक है। अच्छा, ये लीजिए आप वो मेरी प्लेट दे दीजिए जिसमें मैंने कीमा निकालना है, ये वाली, ओके, नो 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 वो वाली गार्निश वाली, ठीक है, कितनी खिदमत करवाती है ये, आप लोग भी सुन। अच्छा, हमारी इधर हमारी कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अगर लाइन ड्रॉप ना हुई हो जी, देखा ना हम लोग अपने सर में जो लग गए थे उसमें तो कॉल जो हो गई है वो ड्रॉप हो गई है, लेट्स सी थोड़ी देर में फिर चेक करते हैं, और मुझे लग रहा है कि लोग डिफरेंट चीज़ों का पूछते हैं, और ये प्याज गोल्डन ब्राउन करनी है कैसे करनी है? गोल्डन ब्राउन करनी है हमने प्याज को, यस। अच्छा, हमने जो है वो मसाले लगा के रखे हुए, मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं, मैं चाह रही थी कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो स्किप हो जाए, और ये हमारी प्लेट भी रेडी है, बस कीमा आएगा और हम उस पर सर्व करेंगे, आपने पहले से ही। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि मैंने क्या किया जब तक हमारी प्याज हो रही है, और ये कीमा बहुत झटपट बनता है और बहुत जल्दी बनता है और बहुत यमी बनता है, तो ज़रूर आपने इसको बनाना है, और लास्ट में हम इसमें कोयले का दम देंगे, बिल्कुल लास्ट में, तो आपने भी इसमें कोयले का दम देना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं मैंने कीमा की क्वांटिटी कितनी ली थी और उसके अंदर मैंने क्या क्या मसाले शामिल करे थे, तो मैंने 750 ग्राम मैंने कीमा लिया था, मिंस लिया था मैंने, और ये फैट वाला है, ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है वो कचरी पाउडर 2 टेबल स्पून, कच्चा पपीता मैंने इसमें 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने शामिल करा, उसके बाद मैंने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, मैंने इसमें मलका मसाले का 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर फ्लेवर के लिए चपली कबाब मसाला डाला है, इनके मसाले बहुत अच्छे हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा झटपट से जी। अच्छा, यानी इसमें जो है ना जी ये सारा कीमा इसी में डलेगा, ये फ्लेम तेज कर दी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन हो गया, ठीक है, ज्यादा ब्राउन होना जल ना जाए ना। अच्छा, ये साथ साथ जो है वो मैं इसमें कीमे को ऐड कर रही हूँ, और ये मसाले वाला तमाम का तमाम कीमा मैंने इसमें शामिल करा है, और आप देख सकते हैं कितना झटपट सा ये हमने प्याज को सिर्फ ब्राउन करना है और हमने इसमें ये कीमे को शामिल करना है। अच्छा, साथ साथ मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता रही थी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, मैंने इसमें जीरा शामिल करा है, मैंने इसमें भुना कोटा सफ़ेद जीरा, भुना कोटा जीरा दोनों जीरे शामिल करे हैं, गार्लिक पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है, और भुना कोटा साबुत धनिया मैंने इसके अंदर शामिल करा है, क्योंकि साबुत धनिया अगर आप भून के कूट के शामिल करेंगे बनस्बत आप पिसे हुए उससे तो। अच्छा, साथ साथ मैं बताती चलूँ मलका मसालों की जो है वो एक बहुत बड़ी रेंज है, और इनके भी मसाले आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल, आपकी मर्जी, आप इसमें प्लेन मसाले भी आपको अगर बिरयानी बना रहे तो उसका भी मसाला आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आ जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, वैसे जैसे ईद का दिन है आज और वीनत टीवी पे हम मौजूद हैं और यहाँ हम बना रहे हैं ईद एक साथ सभी के साथ और अपनी टीम साथ, के साथ सभी के साथ, वैसे जमला बड़ा जबरदस्त लगा। अच्छा, खाने एक एक अच्छा, हम कोई भी इवेंट करते हैं कुछ भी करते हैं तो उसमें खाना एक बहुत मैटर करता है, अगर खाना आपका मज़ेदार होता है ना तो आपका इवेंट वसूल हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप दिल से पकाएं, पॉजिटिव वाइब्स देखें, कुकिंग जो है वो एक आर्ट है, एक मसाले हो गए, एक आपके अपने मसाले हो गए, लेकिन आपका एक दिल जो दिल होता है ना आपका उस वो एक आर्ट है। मैं कहती हूँ ये बीफ है ना इसमें मुझे बैल की आवाज़ आ रही है। अच्छा, नहीं पता है, जैसे सभी ने बात करी कि जानवरों से मोहब्बत हो जाती है, तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी बचपन में ऐसा ही हुआ हुआ है, बचपन का वाक्य तुम्हारा जब बकरा जबा तुम कितना रोई वो बताओ। अच्छा, मुझे ना बकरों से ज्यादा ना पर्सनली मुझे ना काउज वगैरह जो होती है ना मुझे बड़ी पसंद है, हाँ बड़ी 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 डिपेंडिंग करता हूं, जब कभी देखो ना उनको उनके पीछे जो बच्चे भाग रहे होते ना, मतलब मैं कहती हूँ मैं बेचारी क्या सोचती होगी, मैं यारी मैं चल रही हूँ मेरे पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली, पता है
सभी पता है क्या, जैसे मैं जब छोटी थी ना तो मेरे साथ ये होता था, मैं ना मुझे बकरों से ज़्यादा मैं काऊ से अट्रैक्ट होती थी, गाय मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा उसका साइज मैटर नहीं करता कि वो छोटी हो वो मोटी हो वो पतली हो, नहीं उसका साइज, लेकिन गाय होना चाहिए। तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती हैं। और मैं जो है ना वो बचपन में ये होता था, मेरे भाई और मैं, वो कहते थे एक गाय तुम हमारी है ये वाली और ये तुम्हारी है, और उस पर हम स्कूल से आते थे। कितनी ले लेते थे, कितनी गाय ले लेते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो वो सब की आती थी। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन, गाय कॉम्पिटिशन। तो अच्छा होता ये था कि एग्जैक्टली मैं, मेरा भाई कहता था ये मेरी वाली है ये तुम्हारी वाली है, अच्छा, और वो हम उस पर लेट रहे हैं और उसको उसके साथ ही खाना खा रहे हैं, और अम्मी स्कूल से आते थे, ऊपर से आते थे यूनिफॉर्म तो चेंज। मुझे आज पता चला कि तुमने कहा उसके साथ खाना खा रहे हैं, कि मुझे क्या पता था तुम्हें चारा पसंद है, तुम ये क्या बना रही हो, ये तुमने कहा मैं उसके साथ खाना खाते थे। ये बात बड़ी पॉइंटेड है नाज़रीन, मैंने किस शेफ को रखा है जो लूसन भी बहुत मज़े से खाती है और क्या कहते हैं चने बहुत मज़े से खाती है, घास होता है वो जो बड़ा बड़ा हरा हरा, तो ये सूखा घास, अच्छा इन्होंने कहा मैं गाय के साथ ये खा खा के इन्होंने शेफ कुकिंग सीखा। गाय बहुत मासूम होती है, मासूम जान, बहुत मासूम होते हैं जानवर। यकीन करें रोड पे आप जितनी गाड़ियां ले जाओ वो अपनी टून में चलेगी, टून में चलेगी, धुन में चलेगी, उसे किसी की परवाह नहीं। पता है ये क्या होता है सभी, ये मोहब्बत होती है एक, और जानवर जो है देखे अल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह ताला की मतलब कुर्बान होते हैं, और कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो सीधे यही कॉन्सेप्ट है कि वो जन्नत में जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं बहुत सारी बातें सुनी सुनाई होती है, कही कहा ही होती हैं, जैसे कि जानवर, पता नहीं बचपन में मैं सुनती थी, मुझे नहीं पता कि ये बात सही है कि मतलब कुर्बानी से एक दिन पहले जानवर रोते हैं, तो आई डोंट नो कि मतलब मुझे आज तक ये नहीं पता चला। आगे सुनो ना इसको, जुमला को जोड़ो, उनको छुरियाँ नजर आती, उनको छुरियाँ नजर आती हैं, एग्जैक्टली यही सुना है। प्यारी प्यारी बातें हमारी जिंदगी की, हमारी यादों से जुड़ी हुई है, और हर पर्सन अपनी तरह सोचता है कि ऐसा है कि नहीं, हम लोगों को ये कहा जाता था, बल्कि कभी कभी मैंने कहा अब वो पता नहीं उसकी आंख में दर्द, उसकी आंख से आंसू निकल रहे, रो रही है, पता नहीं ये सारी बातें सच हैं या नहीं हैं, ये स्टोरीज हैं, लेकिन ये रिलेट करती हैं हमारे त्योहारों से, फीलिंग से, ये हमारी फीलिंग। अच्छा जब तक इसका पानी खुश्क होता है, जब ये खुश्क हो जाएगी देन हम प्लेट हम करेंगे इसको, हम यहां पर ब्रेक ले लेंगे लास्ट में और इसको कोयले का दम लगाएंगे। तो ये ब्रेक ले ले, ब्रेक ले, बिल्कुल हम दिखाएंगे, बिल्कुल नाज़रीन, ये हम लोग यहां पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और हम लोग बड़े मज़ेदार कचरी कीमा जो बन रहा था, शेफ शाइना शुमैल जी आपको भी वेलकम अगेन, और मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट को भी, ऑफ कोर्स भाभी भी मौजूद हैं और यहाँ पर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, और बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग भी सुना रहे हैं। अब मैं हमसे गज़ल भी सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं क्या वो क्या मौसीकी रूह की गज़ा है, लेकिन गज़ा ऑफ कोर्स भूख बढ़ा रही है इस वक्त बकरा ईद, और भाई जिस्म की जो गज़ा होती है वो खाना होता है और रूह की गज़ा मौसीकी होती है। ये क्लियर कर दी उन्होंने। एक बार फिर बोलना क्या कहा, मौसीकी जो होती है वो एक्चुअली रूह की गजा होती है, और कचरी कीमा जो होता है वो हमारी पार्टी की गजा होती है, डेली की गजा, मौसीकी मूड पे डिपेंड करती है। ये बात, दैट्स द मेन पॉइंट, मूड पे डिपेंड करती है। क्या बात, आप किसी मूड में होगे तो उसमें खो जाओगे। क्या बात है, मेहंदी हसन के बड़े प्यारे सॉन्ग है, बारिश के अंदर अच्छा लगता है, बारिश वाले करती कहती वो बारिश में अच्छा लगता है कि बारे में आज जाने की जिद ना करो, आए हाय पास बैठे रहो कुछ ऐसी ना भाभी। बेसिकली ऑफकोर्स इंसान की एक लाइफ होती है और दिल करता है सॉन्ग सुनने को, खाने वाने तो खाने के भी लोग बड़े शौकीन होते हैं, तो चौधरी साहब को क्या पसंद था? चौधरी साहब बकरे शकरे तो नहीं फुड़का देते थे? बकरे तो खाते ही थे पुलिस वाले। आखिरकार आप क्या बनाती थी वैसे? मैं सारा कुछ बना लेती हूँ, सब कुछ अच्छा
और आपको क्या पसंद? तमाम दुनिया की हर चीज जो जहाँ से मर्द शुरू होता है वहाँ से औरत खत्म होती है वहाँ तक। एक्सपीरियंस बोलते हैं। नहीं मैं ऐसी नहीं थी, खैर बड़े अजीब अंदाज में पली थी। मुझे जब शादी तो एक अंडा बनाना आता था, तो बस वो एक ससुर ने बात की, जनाब ये तो शोकेस का पीस रखता है काम। मैंने जो काम किए थे फिर बोला फिर हम नहीं रुके, फिर ना हम ठहरे, फिर इंटीरियर घर बनाना, तोड़ना, जोड़ना, बच्चे सारे, अपनी फैमिलियां सारी देखी, सब कुछ। वफाएं तो बहुत की, मगर इससे में वफा कमी आती है। अय अल्लाह, वो भी आपके साथ आपको छोड़ के नहीं जाते, लेकिन उनका जाना भी आपकी जिंदगी के वकार को बुलंद करता है। उन्होंने जाते जाते भी अपना नाम दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे जितने भी लेजेंड यहाँ से गए हैं उन्होंने अपना वकार, अपना नाम छोड़ा है। चलो विरासत कह लो, बिल्कुल बिल्कुल इनके खून में, रग रग में शामिल है। क्या सुना रहे हैं जी? रेडी हो जाए अब्दुल्ला, ईद का त्योहार, जरा सा हमें कुछ अपनी भी धुन में सुनाए कुछ। देखिए कवाली तो मैं कर चुका हूँ, और चूंकि मुझसे आपका गजल सुनने का दिल कर रहा है, एक गजल सुनाते हैं आपको। लेकिन जी गजल सुनाने से पहले चंद वर्डिंग में बोलना चाहता हूँ क्या? बहुत अपने अरमाने दिल निकले वाकर, मगर फिर भी है एक हुजूर में तमन्ना, ये पाके भी है वही बेकरारी, जुनूने मोहब्बत नहीं है तो क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एक मेरे नाना के भाई हाजी मकबूल अहमद साहब एक गजल पढ़ते थे, और बेसिकली उनकी कंपोजिशन भी उन्होंने खुद ही की थी। अच्छा। तो वही आपके सामने पेश कर रहा हूं समाप्त में। मेरे मिजाज की आवाजगी पे मरती है, मेरे मिजाज की, और बेसिकली मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अरे क्या बात है, आवारगी पे मरती है, मैं क्या बताऊँ वो कितनी अजीब लड़की है, मेरे मिजाज की आवारगी पे मरती है, बीच में टिंड दिखती है ना, वो जानती है कि कह कर कभी नहीं आता, वो जानती है कि कह कर कभी नहीं आता, मगर वो फिर भी मेरा इंतजार करती क्या बात है। मगर वो फिर भी मेरा इंतजार करती है, मैं क्या बताऊँ वो कितनी अजीब लड़की है, मेरे मिजाज की आवारगी पे मरती है। और वैसे भी हमारी शेफ इतनी प्यारी से स्माइल कर रही है। वैसे एक बात तो वो जानती है कि अक्सर मैं झूठ बोलता हूँ, वो जानती है कि अक्सर मैं झूठ बोलता हूँ, मगर वो फिर भी मेरा एतबार करती है, मैं क्या बताऊँ वो कितनी अजीब लड़की है, आ अरे यार माशाल्लाह, ऐसा लग रहा मैं आंखें बंद के सुन रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अमजद भाई सुना रहे हैं, मैं उनकी आवाज उसमें महव हो गई। अब्दुल्ला आपको जिंदगी दे, आपको आमीन सेहत दे,
और तुम इसी तरह अपने मामू का नाम रोशन करो. रियली मैं मेरे पास एक्सप्रेस करने के वर्ड्स नहीं है. ऐसा लग रहा था, मैं बार बार कोशिश कर रही थी. मैंने कहा सुनूं अब अब्दुल्ला कहीं 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 झुक जाए, कहीं इधर उधर हो जाए. लेकिन रेली मैं सच कह रही हूँ, मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा. आप सुन रहे होंगे कि ऐसा लग रहा था अमजद भाई ऐसे ही सुना रहे. और मैं वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अर्श के साथ एक बार हमारे पास आया था कराची जिमखाना था या वो जगह जो क्लिफ्टन की तरफ है, बहुत दूर है. रोल मॉडल. हाँ हाँ उस तरफ गए और उधर एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम था और सर्दी बहुत थी, बड़ा इवेंट था. उन्होंने उसमें कवाली वगैरह पर हमने नाम सुना ना, तो मैंने कहा यार मुझे जाना है. और मैं गई, यकीन करो पूरी ऑडियंस सब ऐसे नीचे भी निशस्त ऊपर तख्त पखत और क्राउड भरा हुआ था और सब महब हो गए थे. इतना इंजॉय रियली सो स्वीट. मुझे बहुत खुशी है कि चले उनकी आवाज़ किसी सूरत में तो हम सुन रहे हैं ना. हमारी कोई औकात नहीं कि हम उनके जैसा पढ़ सकें, बस ये उनकी दुआएं हैं, उनका ही सदका है. आए नबी, बस क्या बातें. ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है. अच्छा मैं भाभी की तरफ से हूँ. भाभी कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि इंसान नहीं, इख्तियार नहीं है उसका. और ऑफकोर्स हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की है, वो देता है तो वो लेता भी है क्योंकि उधर ही वापस लौट के जाता है. कभी खुशी होती है जब लेता है तो आंसू होते हैं. आए कभी ऐसी कोई जगह बड़ा निराला है ना. आए कभी ऐसी जगह ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा पैदा हो माँ बाप रो रहे हैं. आए हाय हाथ में आते हैं बहुत खूबसूरत लम्हा. बड़ी मिठाइयाँ बटती है हमारे यहाँ. बिल्कुल बिल्कुल मनो टनों में ना कि ये बेटा हो. बिल्कुल बिल्कुल औलाद है, औलाद है. जब वो रुखसत होता है वाइट कफन में फिर क्या होता है. आँखों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है. इंतजार होता है. बल्कि मैंने उस लम्हे को बहुत, जो मैंने उस लम्हे को सहा ना, मैंने बिलावल को रोते देखा, आसवा को, माँ पे. हाँ देखो रिश्ता फैमिली से हर एक का वैसा ही प्यारा होता, हर इंसान का. पर मुझे उस पल खुदा से मांगी ताकत मिली कि मेरे रब मेरे अंदर चौधरी की रूह मुंतकिल कर, आज दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब. और दिया मैंने. 5 मिनट के अंदर सारा मीडिया हिला और परेशान हो गई. बोला भी बॉडी दिख कर रही बंदी क्या है, हौसला कैसे. वो मेरे खुदा की अता है. वो जो कभी आप एक पल लगता है अल्लाह को अता करने में, देखो देर नहीं होती. मैं अपने गेट पे थी, जा रही थी चौधरी को देखने, बॉडी को बर्पा हो गया कि कितने मिरेकल बुलेस को रुलाओ वरना ये दिल पे. मैंने कहा दिल पे हम रखते हैं हमेशा के लिए. ये वक्त की स्टोरीज मत करो. भी 5-10 दिन रो लिया और फिर कभी असली नहीं याद हुए जो 5 मिनट ना बैठे. इससे आगे कोई जा नहीं सकेगा. जिनका रिलेशन ऐसा होता है वो ये नहीं कहते कि मैं महीने में 15 दिन में किसी मौके पे भूले हो तो किसी को याद करोगे ना. भूलोगे तो याद करोगे ना. बेशक याद आती है तो झुकना ही पड़ता है. भूलोगे नहीं. सही कहा. जब तक कभी कोई कुछ कहता है ऐसे अनोखे बच्चे अपनी माँ को कभी कभी अता करता है. ऐसे शेर ऑल लेजेंड जैसे इनका खानदान है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ भाई शहीदों का एक घराना वो एक घराना. आए हाय हाय दो घराने हो गए. वो क्या कहते हैं कि जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है. जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है. अब सहर जो आएगी वो सहर हमारी है. आए हाय ग्रेट. मगर वो सहर में कसक रह जाएगी, वो सदा रहेगी मरते दम तक. क्या ये तो एक हकीकत है ना. बिल्कुल. अच्छा आपके बड़े बेटा माशाल्लाह क्या उम्र है उसकी अभी. मेरे बेटे की अभी मतलब 21 साल. अच्छा उनको आपका है कि उनको भी DSP भी बनेगा. फिल्म की तरफ उसका माइंड डाइवर्ट हो चुका है. डबल हो गया. मैं एक चीज मेरी तरफ से मुसल्लत है, बाप के किरदार को मत फिराना. अय अल्लाह सदियों में पैदा. मगर इंशाल्लाह जैसे इनके घर से आवाज निकली मैच हो गई. बिल्कुल बिल्कुल विदाउट साउंड. बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ जो मैंने देखा है. बिल्कुल इसी तरह चौधरी के घर में भी कोई होगा. क्या बात क्या बात. जेनेटिक विरासत किसी ना किसी में आती है.
सारे दावे करगी, पीछे कुछ नहीं बचेगा। अच्छा भाभी, भाभी मैं आपको ऐसे पूछती हूँ कि अगर जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपको खाने पीने की बात करी थी, तुम भी ऐसे कहते थे ना मुझसे बात, अभी ये आपने कहा कि भाई भाई ने कभी अमजद साहब ने या ऐसे खुद कुछ पकाने की कोशिश की? वो आलू गोश बहुत पकाते थे, बहुत शौक से पकाते खाते थे या पकाते थे सिर्फ? दोनों। रियली? या। अच्छा, आलू गोश पकाते थे, बड़ी बात है भाई। आलू गोश इज नॉट इजी। आलू गोश भी पकाते थे और खाते भी थे, प्लस वो बिरयानी भी खाते और पकाते दोनों थे। अच्छा, डिश की तरफ चले हम लोगों का। हम लोग जी नाजिन, हमारे साथ ऑफ कोर्स एक डिश बन रही थी, वो थी कचरी कीमा। और भाभी से भी पूछने के बाद हम शेफ शाइना शुमाइल की जानिब चलेंगे। भाभी अब वैसे आप पर्सनली खुद जो आपके बच्चे भी पसंद करते, आप कौन सी डिश बनाती है बकरा ईद पे खास तौर पे? मुझे दुनिया की जो भी कहोगे, कुछ कॉन्टिनेंटल्स हैं और चाइनीज हैं, बाकी देसी खानों में जो भी, मगर मुझे शौक मट्टी की हांडी का है। मट्टी की हांडी का? यार ये कैसे शौक, मुझे समझ में नहीं आता। चक्कर पता है क्या, हम जितनी भी तरक्की कर जाए ना, उन चीजों को रोक नहीं सकोगे जो मट्टी से जुड़ती है, मट्टी में दफन होती है। अच्छा, उसमें टेस्ट में बड़ा फर्क, टेस्ट भी। और एक आपने बहुत अच्छी बात की कि मट्टी से ही हम बने, मट्टी से जुड़े रहेंगे तो हमारा वकार भी ऊंचा रहेगा। नॉर्मली जितनी भी अब चीजें ना, सारी बैकअप होने लग गई। हाँ, देख आगे लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साइंस ने तरक्की की, कुरान पाक से की। आज कोई साइंसदान एक बच्चा पैदा करके दिखाते, या रूह डाल के दिखाते इंसान में, फैक्शनल बच्चे पैदा हो जाओगे। चलिए, अल्लाह रहम करे। वो मैं समझ गई। बहुत 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 सही बात है, ये तो पॉसिबल ही। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। ग्लैम गैस का किचन है। और जी हेलो शेफ, क्या बन रहा है ये तो बताओ हमें इतनी देर से। सभी बन रहा है कचरी का कीमा। ओके। और मजेदार खुशबू आ रही है और मजेदार कलर है इसका, इसका ब्राउन कलर होता है। हमें नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन ऑन करें भाई। यस, ये आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन 75% जो हमारा जो पानी था, कीमे का अपना पानी था, वो ड्राई हो गया है। चम्मच में से डाल के यूं करूं ना चंदा जी, मेरे शहजादा? आप 20% इसमें, 5% इसमें पानी बाकी है, हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि कचरी का कीमा जो होता है वो ड्राई बनता है बिल्कुल। हटाओ ढक्कन, हटाओ। और इसका जो धुआं देख रहे, यस, दोबारा इसको स्पून से जरा दिखाना जी। मैं इसको दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ ग्लैम गैस की जो गैस होती है ना, उसकी एक क्वालिटी ये होती है कि ये दिखने में सॉफ्ट होती है और ब्लू कलर होता है इसका, लेकिन ब्लू गैस जो अच्छी यूं कही जाती है कि ये बहुत जल्दी खाने को कुक करती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है, और आपका जो गैस का बिल है वो इकोनॉमिकल बजट रहता है, क्योंकि आजकल बिल्स इतने हाई हो गए। खैर, बहरहाल छोड़ें ये बातें, ईद का दिन है, एंजॉय करें और मजे मजे के खाने बनाएं। भाभी हंस रही है, भाभी गैस आ रही है वैसे, बड़ा मुश्किल नहीं, गैस नहीं आ रही? गैस कम आ रही, गैस कम आ रही, उन्होंने भी बंद हो जाती है सुबह सुबह। अरे मैं तो क्या बोलूं, अभी भी नई नई शिफ्टिंग की है, वो रोजाना रात को एक बात, अल्लाह 10 बजे कुरानों को हिदायत दे दे, गरीबों को मार के दम लेंगे कसम खुदा की, तो एक ही दफा खत्म कर दे, जान छोड़े ना, बड़ा परेशान तो ना हो ना लोग, रोजाना मर रहे हैं। पड़ेगा फिर ये सोचना पड़ेगा, ये प्लानिंग करेगा किसी एक को। भाभी भी बता रही है कि ऐसा कुछ सीन है कि आवाम को देखो, जो एक सच्चाई है, आज पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, 300 के करीब हो गया जनाब, 10 दिन बाद फिर एक बम मार देंगे गरीब आवाम को। और बिजली का क्या आलम चल रहा है, और बिजली लोड शेडिंग, और लोगों घरों में 12-12 घंटे लाइट, वो बेचारे हाथों से पंखे भी जलाए तो खाने और बच्चे भी पाले और सुबह स्कूल बच्चे भी भेजे, खुदा के लिए उनकी जिंदगी में आकर देखिए, कभी किसी के शूज में बैठोगे तो दर्द का पता चलेगा ना। नहीं, पॉसिबल नहीं है अभी। और ख़ास तौर पे सही कहा भाभी ने कि जब उनके दरमियान आप लोग सिर्फ, अरे आते हैं ना, आप कैसे, आप झूठ कह रही हो, वो आते जब वोट चाहिए होता है, क्यों नहीं आते, आवाम के साथ बैठते हैं, रोते हैं उनके साथ। कुछ भी कर ले, सारे लोग ऐसे नहीं थे, कुछ ईगो पसंद भी गरीब है जिसको वाइट कॉलर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो किसी के सामने नहीं है, आए सफ़ेद पोश। अच्छा जी, ये बात हो रही है, हम लोग ऑफकोर्स बकरा ईद की बात करें और लोगों को याद भी करें, थोड़ा हंसी मजाक भी यही है, थोड़ा रोना भी आ जाता है, थोड़ा हंसते भी हैं, खाते भी हैं, पीते हैं, जिंदगी की जिंदगी इसी में ही है कि रवा दवा। और मैं कहती हूँ वो जो दुनिया से चले जाते वो फिर भी हमें देख रहे, ये फील करें, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो, आपके बहन भाई, वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप खुश रहें, इत्तफाक से रहें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें आपको मिलें। आप ये ना समझें कि वो चले गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कभी नहीं है। और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी एक शख्सियत में
मौजूद होते हैं और हमें वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स अगर चौधरी की साहब की बात करूं, चौधरी असलम की, तो वो एक शेर दिल बंदा था। तो उनकी वाइफ की गुफ्तगू में हम देखें तो एक शेरनी जैसी एक ताकत, एक स्ट्रॉन्गनेस, एक विल पावर आपको नज़र आएगी। अमजद साहब चले गए, ऑफ कोर्स उनके भांजे में आपको वो आवाज़ नज़र आएगी। आप आंखें बंद करेंगे तो जैसे लगेगा कि अमजद भाई इज़ हेयर। तो वो हमारे कहीं ना कहीं किसी रूप में मौजूद हैं और अल्लाह पाक उनकी आगे आसानियां करे और ये हमारा ताल्लुक हमेशा एक बना रहे। लेट्स सी, हम चलते हैं ऑफ कोर्स अब्दुल्ला की तरफ। अब्दुल्ला, मैं देख रही हूँ आप जिस तरह पान खाते हैं और बिल्कुल आलती पालती मार के बैठे हैं, ये अमजद भाई करते थे? ये कहाँ का उनकी बगलों में बैठे रहते थे? यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ था कि उनका असर ले लिया आपने? मैंने तो खैर नहीं लिया, बट उन्होंने दे दिया। अच्छा, आगे क्या फ्यूचर प्लान है? भाभी कुछ कहना चाहो? जी हाँ, अभी बात निकली थी कि खुद याद कराए मैं उनमें इतना क्यों मिलता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मेरे ददियाल में औलाद नहीं थी। अच्छा। हाँ, मेरे ददियाल में औलाद नहीं थी, पूरे ददियाल में औलाद, पूरे ददियाल में। ओके, तो ये 90s की बात है, तो मामू जान इंडिया जा रहे होते हैं अजमेर शरीफ, और वहाँ हमने सुना है, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाऊँ। ठीक है, सुना है कि एक बहुत बड़ी देव होती है वहाँ पे और वहाँ पे मन्नतें चढ़ाई जाती हैं। अच्छा, तो सारे बहन भाई बैठे हुए थे, मेरी वालदा बैठी हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह 11 बहन भाई हैं। अच्छा। चौथे नंबर की मेरी वालदा हैं और 8वें नंबर के भाई थे मुझे साबी साहब। अच्छा, तो सब लोग बैठे होते हैं, दो लाहौर होती हैं, आई थिंक कोई 30 या 32 साल ईयर्स हो गए। तो रात हो रही थी और कल उन्होंने निकलना था, तो कहते हैं कि बाजी जो आपकी ख्वाहिश है वो आप मुझको एक पेपर पे लिख के दे दें, इनफैक्ट आप मुझको भी नहीं बताइएगा। अच्छा जी, ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा कहा, तो सबको ही पता थी कि क्या ख्वाहिश होगी, औलाद की ख्वाहिश किसको नहीं होती। तो खैर भाई, अच्छा इंडिया चले गए, अजमेर थे भूल गए, अजमेर जाके भूल गए। भूल गए, ठीक है। वहाँ से आए दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में आने के बाद उन्होंने, उनको याद आया, तो वापस रिटर्न गए अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ में उन्होंने वो मन्नत चढ़ाई है और दुआ की है, बट इन 5 or 6 मिनट्स उनको खुशखबरी मिल गई थी। क्या बात! तो ये जो मिलने वाला जो बायोग्राफी है, ये एक्चुअली ये है। इसकी वजह से अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि उन्होंने मुझको एक ऐसे शख्स से मुशायबत दी जिसकी इस दुनिया में बहुत इज्जत, बहुत इज्जत है पूरी दुनिया में, और उनके कारनामे बहुत है। क्योंकि जब उनकी शहादत हुई थी, खैर हम तो भाई ऐसे ही जानते थे ना कि हमारे मामू हैं, अय अल्लाह, जब उनकी शहादत हुई साबी, तो पता नहीं कितने ऐसे, अभी आपने भाभी ने एक वर्ड यूज किया था सफेद पोश, तो कई ऐसे सफेद पोश लोग सामने आए थे, फैमिलीज, जिन्होंने बताया था कि अमजद भाई से हमारे घर का चूल्हा चलता था। एंड दिस इज द वेरी मेन पॉइंट, अमजद भाई से हमारे घर का चूल्हा चलता था। अभी मैंने आपको बताया कि एक बच्ची के ऑपरेशन के लिए जी उन्होंने चने की चाट बेची, पता नहीं ऐसे ही कुछ था, तो ट्रक के ऊपर ये तमाम आर्टिस्ट, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के निकले हुए थे, जिनमें वन एंड ऑनली अमजद साबरी भी थे। पता नहीं कितने का उनको चंदा इकट्ठा करना था, वो भी आई थिंक किसी के ऑपरेशन का ही मामला था, तो उन्होंने एक यही भर तो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, और आधे घंटा लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं, वो 8-10 लाख रुपए जितने भी थे वो यूँ हो गए। बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें, और जितना हमसे होता है हम उससे इंशाल्लाह ज्यादा ही निभाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ का किया हुआ, यहाँ पर लिया दिया हुआ जो है वो आगे जो है उसका जो है ज्यादा अजर मिलता है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं, और इसके बाद आप इन खूबसूरत लोगों के माइंड कैसे एक कितने एक्टिव हैं, कितना आईक्यू लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे दरमियान एक और पर्सन मौजूद है, वो है मैजिशियन, और देखते हैं कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग है मेंटली। लेट्स सी, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड ईद स्पेशल के साथ।
वेलकम अगेन और बात हो रही है ईद स्पेशल की और गुड मॉर्निंग विद सभी में जो गेस्ट आए हैं वो तो आप मिल चुके हैं। बहुत टाइम ज़बरदस्त स्पेंड किया हम लोगों ने, कुकिंग भी दिखाई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आया कि ये लोग हैं तो बहुत अच्छे दिल वाले, शेर दिल हैं और बैकग्राउंड भी बड़ा ज़बरदस्त है। क्या इनका पर्सनली IQ लेवल कैसा है, आज यहाँ पर कौन मौजूद है? ऑफकोर्स मेरे शो में आते रहते हैं और आज मैंने उनको ईद स्पेशल पे बुलवाया, वो है मुनव्वर खान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे? ईद मुबारक। मैं तुम्हारे हाथों का कमाल, तुम्हारी उंगलियों का कमाल मैं देखती रहती हूँ। जी जी। अच्छा ये ट्रिक्स खिलाती है मुनव्वर? ट्रिक्स होती हैं। अच्छा सबसे पहले तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा जी कुछ गोश्त वोश्त खा लिया? बिल्कुल। नहीं खाए तो रुक जाओ, अभी कचरी की मत खिलाएंगे। खा लिया लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिली जाए, मिल जाए तो छोड़ दी जाए। ऑलमोस्ट ये भी बहुत हंगरी हुए हमें, भाभी को भी खुशबू आ रही है, मैंने कहा यार थोड़ा सा सबर कर जाए। और जब खुशबू आती है ना तो भूख ज्यादा लगती है, तो उस वक्त इंतजार का मजा लिया जाता है। इंतजार करने वाला होना चाहिए। अच्छा मुनव्वर आज आप बताएंगे, आज भाभी का भी आपने इम्तिहान लेना और अब्दुल्ला का भी, क्या करना? अच्छा देखें मजे की बात ये, हम मैजिशियंस का काम है आपको सरप्राइज करना, लेकिन मैं ये काम मैजिशियन बनने से पहले भी कर रहा हूँ। अच्छा? हाँ मैं आपको अपनी पहली जॉब का अहवाल सुनाता हूँ। चल। मेरी पहली जॉब कुछ इस तरह की थी, मुझे ये साइन बोर्ड बनाने थे जो कि लेफ्ट की जानिब जा रहे हूँ, तो ये दोनों जानिब से लेफ्ट होने चाहिए, ये इनकी बुनियादी शर्त थी। ठीक है तो दोनों जानिब से लेफ्ट। अच्छा कुछ पीसेस मैं बना चुका था तो सुपरवाइजर साहब आए, कहने लगे साहब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा साइन बोर्ड बना रहा हूँ लेफ्ट की जानिब जो पॉइंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो मुझे लेफ्ट की जानिब दिखाई दे रहा है, दूसरी जानिब से ये राइट है, यानी टेक्निकली ये साइन बोर्ड जो आपने बनाए गलत हो गए। मैंने कहा मतलब क्या? कहने लगे देखिए जो राइट है ना ये लेफ्ट होना चाहिए फिर ये राइट कहलाएगा, अगर ये राइट है तो ये रॉन्ग है, मतलब राइट जो है वो रॉन्ग है और लेफ्ट अगर है तो वो राइट है और फिर वो रॉन्ग नहीं है। अजीब सी बात हो गई, थोड़ा सा ये मिक्सा हो गया। बहरहाल लेकिन कंडीशन यही थी कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। मैंने उनको एक सुलझाव दिया, मैंने उनको कहा अगर हम इस साइन बोर्ड को ऐसे टर्न करते हैं और इसे यहाँ ले जाते हैं तो देखें अब ये सही हो गया। उन्होंने कहा जेंटलमैन बैक साइड का क्या होगा? मैंने कहा देखें वो तो पहली लेफ्ट थी, अब वो चक्कर आ गए। मैंने कहा देखें ना ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, जो राइट पे था वो लेफ्ट पे होके राइट हो गया और रॉन्ग भी नहीं है, कैसी कमाल की बात है। बहरहाल मैं अपने ये साइन बोर्ड बनाता रहा और वो मैनेजर साहब को लेके आ गए। मैनेजर साहब कहने लगे भाई आप क्या कर रहे हो, आप तो बड़ी गलतियां कर रहे हो। मैंने कहा क्या गलतियां कर रहा हूँ? कहने देखें सबसे पहली गलती तो ये है कि आपके ने एक निशान ऊपर की जाने बना दिया, ये रोड है, यहाँ पे कोई हेलीपैड नहीं है, हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है। मैंने कहा हाँ ये तो ऊपर ही दिखाई दे रहा है। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा जो सेकंड वाला है वो आपने यहाँ पे राइट पे कर दिया है, तो टेक्निकली दोनों गलत हैं, अब तक जितने पीसेस बने आपको इनका जुर्माना देना होगा, ऐसे आप फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकते। बहरहाल मैंने कहा यार ये क्या किया जाए, मैंने कहा वही पुरानी वाली ट्रिक लगाते हैं। मैंने कहा देखें सर ये जो राइट पे है ना ठीक है ये राइट होते हुए भी रॉन्ग है, लेकिन अगर इसको लेफ्ट कर देते हैं तो ये राइट हो जाता है और अब ये रॉन्ग भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा देखें ये लेफ्ट पे हो गया। उन्होंने कहा बैक साइड का क्या होगा? मैंने कहा वो सेकंड सही हो जाती है, एक सही लगाएंगे दूसरी भी सही हो जाती है। अब ये देख के सुपरवाइजर के साथ साथ उनके मैनेजर भी चकरा के कहते ये हो क्या रहा है। बहरहाल शाम को ये डेली वेजेस वाली जॉब थी, जितने पीसेस बनाए उतने पैसे मिलने, काउंटिंग शुरू की तो मैं पैसे लिए बगैर वापस चला गया घर। क्यों? सारे साइन बोर्ड गलत थे, क्योंकि एक साइड से सही थे दूसरी साइड से सारे के सारे नीचे जा रहे थे और दुनिया में कोई ऐसी सड़क नहीं होती जो जमीन दोस्त जा रही हो। वैसे मुझको मुनव्वर भाई को देख के भूल भुलैया का अक्षय कुछ कह रहे भाभी कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड पता क्या इसका बता दो तोड़ के। हाँ। आपकी बात को। हाँ? साइन वही बने हैं सिर्फ उसको घुमाने का अंदाज मुख्य। राइट क्या बात है भाई, कभी उल्टा कभी सीधा, ये इन्हें दे देते हैं जरा इनसे ट्राई भी करवाते हैं। मैं थोड़ा सा इन चीजों में बहुत पीछे हूं। अच्छा मगर जो चीज समझ आई है। अच्छा लेकिन इससे जो है ना यानी जो भी इस तरह के आपने वो असल में शुरू में इनको बोल दिया कि वो पकड़े तो फिर वो गैसेस आएंगे इस तरह से आएंगे, तो वो तो चलने चलने थे इसको जरा ये सारा उंगलियों का कमाल ही चाहिए ना, साइन वही है सेम, वो एरो उल्टा सीधा पीछे आगे लेफ्ट बाग, ये घुमाने का तरीका है। असल में इसमें बेसिकली जो थी ना थीम वो मैजिक नहीं थी, इसमें स्टोरी टेलिंग था, इस तरह का मैजिक आमतौर पर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। चले करें ये चीज़ थी। क्या नेक्स्ट हमें बताएं जी वो आजा पर। अच्छा नेक्स्ट ये है कि माशाल्लाह वाकई वो देखती हूँ ना वो यूं बीच में लड़की को डब्बे में बंद करके उसे बॉक्स में तलवारें डालते जाते देखें मुझ पे रहम खाइए, मुझको अभी आगे लेगेसी लेके चलनी है, थोड़ा रहम खाइए।
अच्छा मैं आप दोनों के दरमियान आ रहा हूँ, ठीक है? बहुत आसान सा काम है लेकिन जब ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे पहली क्लास जो है वो तीसरी और चौथी क्लास में मुश्किल हो जाती है ना, तो ये बिल्कुल आसान है। मुनव्वर भाई, स्टार्ट करने से पहले ये बताएं कुछ होगा तो नीना भाई? नहीं भाई, आपको क्या पता लगा अगर टाइम ज्यादा हो गया तो मैं अगर होता तो आज पाकिस्तान सारा साफ होता। चलो भाभी ने मुझको मेरा डर निकाल दिया। अच्छा तो बहरहाल ये बहुत आसान है, देखें मुझे लेकिन लग रहा है कि शायद आप भूल गई हो। ये इतना आसान है कि O, N और E क्या किया है मैंने, जब जब मैं इसकी स्पेलिंग कर रहा था एक लेटर के साथ एक कार्ड नीचे जा रहा था। अगर सारा प्रोसीजर सही है, स्पेलिंग सही है, कार्ड बिल्कुल अपने टाइम पे गया है तो A, A मीन्स वन डेक में, ठीक है? तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन बहरहाल एक ट्राई और कर लेते हैं। टी डब्ल्यू ओ टू थ्री की स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, मैं कर देता हूँ, उसके बाद आपकी बारी है। तो टी एच आर ई और ई बन जाना चाहिए थ्री, तो हर लेटर के साथ एक कार्ड नीचे। फोर की बारी आपकी, ये लीजिए। और खास बात ये मैंने इनको शफल नहीं किया, दोनों हाथों से कार्ड्स को थामिए, बड़े कार्ड्स हैं। अब एक एफ के साथ एक कार्ड नीचे लेके जाइए, हाँ ठीक है, एफ कंटिन्यू रखिए, हाँ ओ यू ओ यू आर जरा चेक कीजिए, क्या ये कार्ड देखिए, नहीं ये गलत है ना, टेन है ये तो, फोर होना चाहिए था आपके पास, आपने मिस्टेक की है। रुक जाए जरा, इनको चेक करते हैं। लीजिए जनाब फोर चेक कीजिए, आप नंबर भी तो सही बोले ना। एफ नीचे, चेक नहीं करने बस रखते जाएं, एफ ओ यू आर आर चेक कीजिए, फोर कैमरे में दिखाएं, सही किया इन्होंने, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, हो सकता है इनका तुक्का लग गया। फाइव कीजिए, फाइव कीजिए, कार्ड तो आपके हाथ में, डबल कार्ड डाले, हाँ एफ I, V, E, 5, यानी ये भी साबित हुआ कि कोई तुक्का नहीं। और देखें जैसे कार्ड्स मैंने इनसे लिए वैसे ही आपके पास आए, सिक्स में तो सिर्फ थ्री लेटर्स हैं। कीजिए जरा चेक, गलत साबित कर दो, तो अच्छी बात नहीं। एक कार्ड लीजिए, ये एक है, दो है, एक है, S ठीक है, हाँ I, ओके, X चेक कीजिए, नहीं ये टेन है, ये वो मुझे तो लेकिन पहले क्या था, ये काम पहले भी काम। इनके पास टेन था, ये जुए सट्टे के अड्डे पे चलता है भाई। अभी आपने सिक्स किया था और गलत भी कर दिया, जरा आप चेक कीजिए भाई, सिक्स कीजिए जरा, सिक्स मैडम ने भी गलत किया है। एस आई एक्स चेक कीजिए, थ्री इन रो, ही इज नेचुरल, अच्छा देखिए जैसे इनके कार्ड्स हैं वैसे ही आपके पास आए। सेवन की ट्राई कीजिए, इधर इधर अब्दुल्ला आपके दो टुकड़े करवा लो, ये तो बहुत सही काम करते हैं, लेकिन अभी तो सेवन कीजिए, छोड़ के चले हम तो, अभी तो क्या ये सही कर रहे हैं ना। अच्छा जी, एस हाँ, ओके, ई वी ई और एन रखें, ये तो एन नीचे जाएगा ना। अब आपका कार्ड है, आपको क्या लगता है सही या गलत? मुझे क्या पता, मुझे गलत है। चेक कीजिए, टेन है आपके पास, यानी टेक्निकली सही है क्योंकि हर बार टेन आ रहा है, गलती है हर बार टेन है, आप भी सही है, ये भी सही है। आइए जनाब सेवन पे आइए, जरा स्टार्ट हो जाइए, एस ई वी ई एन, जरा चेक कीजिए, सेवन थ्री, सिर्फ तीन कार्ड हैं, धांधली नहीं हो रही है भाई, नेचुरल है। आई जी एच टी चेक कीजिए, नहीं आपके पास टेन ही है हसबे साबिक हमेशा की तरह, लेकिन ये सही है भाई, टेन आ रहा है ना, ये गलती नहीं रही, आप चार दफा हो गया है। लीजिए जनाब एट कीजिए, ओके, हाँ आप इनको आप क्या कीजिए, ई आई जी एच टी एट। अब रुकें, देखें इनके पास से जैसे कार्ड आए बिल्कुल वैसे आपको दे रहा हूँ, आपको टिल्ट रखने और नाइन नाइन करना है, ऐसे टिल्ट रखते हुए कैमरे में ना जाए कि कौन सा कार्ड का है। हाँ एन आई एन ई, अब रुक जाएं, ये कार्ड टेक्निकली आपका है ना, क्योंकि ऊपर ऐसे ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ही रखिएगा भाई, ये कार्ड आप लीजिए। ऑन द काउंट ऑफ थ्री आप दोनों अपने अपने कार्ड दिखाएं, और अगर आपके पास टेन है आपके पास नाइन है तो सही है, थ्री से पहले आपने दिखा दिया, अब आप भी दिखा दीजिए, दिखा चुकी है, दोनों विनर है भाई, ईद उल अज़हा, कोई लूजर नहीं है, दो टुकड़े पक्के हो गए, बैठ जाओ। नहीं नहीं अच्छा वो अभी अब भाभी के साथ वो करें ना, वो जो सोचते हैं कि इसके बाद ये आ जाएगा, वो गेम कब खेलोगे? हाँ वो कब है वो माइंड माइंड का गेम, चले हाँ ठीक है, हाँ वो वाला होना चाहिए, ज्यादा मजा आएगा, बहुत बहुत कोशिश करते हैं।
ट्राई करें ना, जो हम सोचते हैं वो कोई और बता दे तो बड़ी बात है। ये आसान गेम है क्योंकि ये बड़ा मुश्किल। बहुत सारी चॉइसेस हैं बेसिकली, और ये हैंडमेड कार्ड्स हैं, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। कहीं पे भी आप आएंगे तो कोई अलग कार्ड आपको मिलेगा, और उसकी वजह ये है कि कोशिश करता हूँ कैमरे में शायद दिखाई दे रहा हूँ, सारे कार्ड अलग है, ठीक है। अच्छा, आप मैडम जब दिल चाहे ना तो इसमें से एक स्टैक यानी ढेरी कम कार्ड्स हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, आधे से कम, क्योंकि हम और लोगों को भी देंगे ना, सारे आपने ले लिए तो मुश्किल होगी, तो मैं इनको थोड़ा सा फिर भी मिक्स कर देता हूँ। अब आप इसमें से एक छोटी सी ढेरी उठाएं, लेकिन देखिएगा नहीं, क्योंकि जब सबकी सोचें अगर मिक्स हो जाएंगे फिर मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कितने कार्ड? हाँ, अब इसे उठा के अपने लैप में रख लीजिए। चले, हाँ, वहाँ रख लीजिए। अच्छा, आप भी जितने दिल चाहे ना कार्ड, जितने दिल चाहे उठा लें, ज्यादा उठाएं, उन्होंने बहुत कम लिए तो आपके पास काफी। हाँ ठीक है, रख लीजिए। अच्छा, फिल वक्त एक दफा देख लें, सारे कार्ड अलग थे। आप कहीं पे भी स्टॉप करती हैं तो आपको एक अलग ही कार्ड मिलता, आप मेरे करीब हैं, आप इसकी ज्यादा अच्छी तस्दीक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने अभी कार्ड तो नहीं देखा ना अपना? नहीं। आप अपने अब ये सारे कार्ड उठा लें और देखें आपने गड्डी को कट कहाँ किया था, बस सिर्फ उसको देखिएगा। जो आखिरी कार्ड है उसको देखना है। हाँ, जहाँ पे आपने गड्डी को कट किया है। नहीं, यही वाला होगा। हाँ? नहीं, आप वो आपको नहीं देखना ना, किसी एक को देखना था। अच्छा, आप अभी घर आप अपने सिर्फ अपना वो कार्ड देखिएगा। ओके। और कार्ड के बारे में थोड़ा सा जहन में पिक्चर बनाइए। मैं चक्कर ढूंढ रही हूँ ना। कितना डेंजरस बंदा है। नहीं, भाई आपने कहाँ पे कार्ड कट किया था? दिखा दो। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ फिर आप कह दोगे ये मैं कुछ अभी बना चुका है। ओह, सही है। ड्रॉ एक एक सेकंड। आप अपने आप क्या फायदा, आपने तो देख लिया ना। अब तो आपको माइंड में माइंड सेटअप बन जाएगा। ये तो बिल्कुल भाई, वन मोर टाइम अगर हो सकता है। कमाल कमाल क्या है सोच का। ये पता है हुआ क्या है, ये आपने भी कार्ड देख लिए थे ना। हाँ, मैंने हालांकि बोल के आया था कि आपको कार्ड नहीं, अपना कार्ड देख लिया था ना सभी, जब मैंने कहा था कि नहीं देखना। पता है, आप अपना कार्ड दिखाएं ना। ये इसी का है। हाँ, यही देखा था मैंने, मैंने देखा था सच में। तो इसमें मिस्टेक किसकी है? आपकी। मैं बोल के आया था कि एक वक्त में एक थॉट आएगी मेरे पास। अच्छा, मुझे दे दोबारा जरा। इनका करे सिर्फ इनके सदके। उन्होंने दिखाई दिया अपना कार्ड। क्यों नहीं दिखाया मैंने? ये दोबारा मिस करके देख लें। मैं कमाल देखूँ आपका। ये तो कमाल है। तो बात और भी है, माइंड रीडिंग वाकई खवातीन के साथ वैसे नहीं करने की होती। खवातीन से ज्यादा आपका माइंड कोई पढ़ भी नहीं सकता। आपने इसको फिर वजह पता है क्या है? कार्डों में उनके आइडियाज भी बहुत दूर के होते हैं, जो मैजिशियन ने भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा सोचेगा। जैसे हमने ना एक अलादीन पार्क में मेरा मैजिक हाउस होता था। दरअसल हमने जिंदगी में इतने उतराव चढ़ाव देख लिए कि अब कार्डों को भी ना समझ सके। अब हमने ना अलादीन पार्क में एक एग्जीबिशन आइटम बनाया था कि जिसके अंदर एक गर्ल है खड़ी हुई। पहले टेलीफोन बूथ होते थे ना, दरमियान में कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता था उसके, वहाँ पे सारे बल्ब जल रहे होते थे, ऊपर का धड़ होता था वो फोन कर रही होती थी और नीचे लैग्स हिल रही होती थी। अब जेंट्स आके उसे देखते थे, आइडियाज लगाते थे और अपने आइडियाज को रिजेक्ट करते थे कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। खवातीन आती थी, कमर पीछे कर ली होगी और चली जाती। सॉरी सॉरी, एक बात सुने। 70% मर्द बोला है, समझदार है, इतना समझदार नहीं औरत को क्रॉस कर सके। औरत बहुत तेज है, मगर 20% औरतें अपनी सच्चाई पे खड़ी होती है। क्या बात है, चले जी इसी बात पे चलते हैं। शेफ, सारी चीजें मर्दों के नाम कर दिया। धांधली हो गई है। धांधली? धांधली नहीं है, धांधली हो गई है भाई। ये बात सच है। अब हमें एका करना पड़ेगा। एका करना पड़ेगा। बन गया, बन गया, बन गया। ये देखो औरतों को घरों के अंदर देखो, कचकच हर चीज। औरत की अगर अकल का तकाजा करना हो तो एक औरत बराबर सड़क पर छोड़ दिया जाए। कुछ कह रहे बेचारा अब्दुल्ला, किसी की सुनता है? औरत मुनाफिक ना। अच्छा, यूं आएगी फिर पावली खुद ही सामने आ जाएगी गाड़ी के। अच्छा, दोबारा बोलना सुने गलत।
गलत जगह पे आना दे दिया। दादा वाला नुकसान मत पेश कर रहा। एक औरत यूं जाएगी गाड़ी के सामने आएगी। हाउ इज पॉसिबल? यस इट्स पॉसिबल। औरत ही मरेगी। मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। चले चले आप किचन में चलते हैं। ये तो ऐसी बारे तो दो नहीं, हम लोग सही बातें कर रहे हैं। ने भी जादू किया अपने। अब देखो दोनों खवातीन से मिलके सही पिंच हो रहे हैं। सब बड़ा मजा आ रहा है। ईद का एक मजेदार त्यौहार और हम लोग सब सारे मेहमान एंजॉय करें, आप लोग भी एंजॉय करें। लेट्स सी हम चलते हैं शेफ। एक बात सुनिएगा, मैं तमाम औरतों को नहीं कहती, मेरी तमाम 8 साल के इंटरव्यूज देखिएगा, उसके बाद मेरे बारे में गेस कीजिएगा। कमाल मुंह पे है, दमाल पीछे नहीं होता, मैदान के अंदर होता है। हर औरत वो नहीं होती। मैं एक बात करूं, ये बात हमने नहीं कही, नबी अलैहिस्सलाम के दौर की बात है कि औरतें दोजख में ज्यादा जाएगी। हाँ। ये बात सच है, सही है। ये औरतों में फितना पैदा है। सॉरी बाकी क्या हो गया भाभी? तुसी दिल रख के भाभी, आप इतनी सीरियस ना हो ना, हम तो आपके बच्चे हैं ना। और तेरी मजा ले लिया। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं शेफ शाहिना शुमाइल की जानिब। शाहिना कहाँ तक पहुँचा मेरे शहजादा? जी सभी, कचरी का कीमा ऑलमोस्ट रेडी है और हमारा कीमा हो गया तैयार, और इसका सारा जो एक्सेस वाटर था और जो ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, ठीक है, और बहुत यमी और बहुत मज़ेदार कीमा यहाँ रेडी है। लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस मैं यहाँ ले रही हूँ, ठीक है, हम इसमें लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया लेमन जूस। आप बॉटल्स वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा आपने इसको दे दिया कोयले का धुआं दिया? जी मैं अभी दे। अरे वाह। और ये हमारा रेडी हो चुका है, और डिश आउट कीजिए और इसको हम इसको एंड की तरफ लेके जाते हैं। अब हम इस अपने स्टोव को ऑफ करेंगे। ग्लैम गैस के स्टोव को हमने ऑफ किया है, साथ साथ जो है मैंने कोल यहाँ जला के रखा हुआ था ऑलरेडी, और कोयले का दम हम इसमें देंगे। और ये मैंने जिंदगी में एक कुकिंग आपके साथ करूंगी, वादा है। रेली लाइफ बस सही डन हो गया जी, ईद के बाद सेल्फ बर्नर रह गया था बस। आई सके जाऊं तो इन्होंने प्रॉमिस कर लिया शाइना, इन्होंने मेरे साथ। मगर एक काम करना, इधर आग तेज रखना, प्रेशर मैं खुद बड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाते हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं अपने मॉर्निंग शो के सेट पे आपके लिए पहले ग्लैम गैस के फ्लेम को हाई रखूंगी। मैं कर जाऊंगी 2-3-4 आइटम आपको देंगे इंशाल्लाह। चले शेफ कुछ और खाना, सबको खाना होगा। तैयारी में घर से घर के आऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। आदत भाभी हमारी तो चीजों की आप डन हो गए। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको इशारे करें, ओके डन हो गया जी, डन हो गया। चले जी, आधा किलो नहीं पकाने की आदत, मैं पहले बता दूं, काम करो तो खुला, नहीं करो तो छोड़ दो। कितना देगा दिया बिरयानियां चढ़ा ले सारा, रोटी जी भर कर तो खाए ना भाई। तुका किलो 2 किलो देगा जाएगा? नहीं, 2 किलो वाली पार्टी नहीं लगती, 5-6 किलो के अंदर जाना है। अपने मेरे प्रोड्यूसर को देखिए, ये मेरा तजुर्बा कहते हैं 5-6 किलो शेफ चाहिए, वो भी नॉर्मल 70% मैदा जब फिल हो जाएगा। रेली हो गया जी, देख इंतजाम करना पड़ेगा हम लोगों को बड़े दबंग स्टाइल में, क्योंकि दबंग बंदी है हमारी। मैं सलातीन कढ़ाई बना कर दूंगी, एक फिश एंड वाइट राइस बनाती हूँ, कॉन्टिनेंटल फूड है वो। ओए ओए, और मेरा मशहूर है पकोड़ा कबाब कढ़ी, पकोड़ा कढ़ी। अच्छा, और बड़े का पाया ओए उसके लिए पूरी, वो नहीं बन सकेगा यहाँ, जो बात सच है। नहीं नहीं, उसको पूरी रात चाहिए। ये तो जानी, ये सारा वो मेरे घर पे आइएगा पूरा सेटअप खाने। एक दिन में तो नहीं होगा ना ये, तो एक दिन में एक डिश? नहीं नहीं, एक दिन में 2-3 आधे घंटे में आप 3 काम कर सकते हैं। 3 डिशेस एक साथ? हाँ, एक साथ ही चलेंगे। रियली? हाँ, सोच ले, एक राइस बॉयल होना, एक फिश है, वो 15 मिनट का काम है, बाकी एक गोश्त है, उसको हाफ हम पहले स्टीम। ये फिर हम रिकॉर्डेड शो आपके घर जाके कर सकते हैं, सॉरी टू से, ये चैनल में तो नहीं हो सकेगा। जिस तरह आप 3-3 डिशेस का कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना मजा नहीं आएगा। ये तो 2 है कि राइस से 3 हो गए, मतलब 12-13 डिशेस का आता है बंदी। फिर खाने बड़े पैमाने पे काम है, ये हल्का बंदा नहीं है, ये बहुत भारी बंदा है। नहीं नहीं, मीडिया के जो पहले जितने मेरे साथ लोग अटैच हैं वो जानते हैं, कुछ लोगों जब बरसी से पहले दावतों के सिलसिले चलते हैं मेरे घर के, आदत पड़ गई बड़े 2-4। मुझे बड़ा शौक है। अच्छा, मेहमान नवाजी का शुरू से आज से नहीं पहला, मुझे पता, मैं भाभी से कुछ खाना ही बनवा ली जरूर। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। अच्छा जी शेफ जी, कितना हो गया, डन हो गया चंदा? ये कीमा तैयार है, कोयले की धुनी भी हमने इसमें दे दी। ओके, और मैं अपनी वेजिटेबल्स के साथ इसको सर्व कर, इसको सर्व कर दो, ठीक है ये? ओके गुड गुड, वेरी गुड। इन्होंने सीखा क्या ना पहले कहीं से, कोर्स किया? आपसे क्या पूछ रही है भाभी, आपने कोर्स किया हुआ है? जी मैं बगैर कोर्स के आऊंगी, कभी जिंदगी में
तरीके से कुछ भी जिंदाबाद और ना बात बनी तो बात ना होगी ये बात हुई ना जबरदस्त हो गया टेंशन जी गुड हो गया जी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो हमारी जैसे मिसेस चौधरी हैं और ऐसी हमारी आंटीज हैं और अम्मियां हैं तो वो माशाल्लाह इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं कि हम शेफ्स को जो है ना वो पीछे छोड़ देती हैं जनाब बात सुने मेरे घर में 25 मुलाजिम हैं 20-25 अच्छा माशाल्लाह कुक भी है माशाल्लाह पर कभी जब इंसान खड़ा होता है ना उसको अबूर होना चाहिए कल को रोना ना पड़े लेकिन खाना पका के खा सको आप अपनी जिंदगी को संभाल सको आज चौधरी मेरी जिंदगी में सिर्फ बाहर का बोला ट्रायंगल दबाना जानता हूँ सारी गुफ्तगू चौधरी साहब अंदर बसता है क्या करूं मैं ना भूलूंगा वाली थैंक यू शेफ बहुत शुक्रिया यानी अगेन ईद माशाल्लाह अच्छा है नई नस्ल सीखनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल नई नस्ल तो आजकल बहुत टेक्नोलॉजी के दौर में अच्छा यार ये एक बात बताओ अब्दुल्ला ऑफ कोर्स फेसबुक पे सब सोशल मीडिया पे तो आप किस नाम से फेसबुक पे अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ भाई अब्दुल्ला साबरी के नाम से किया हुआ अब्दुल्ला साबरी ओके तो आगे फ्यूचर प्लान क्या है अब्दुल्ला फ्यूचर प्लान तो मेरा खैर इंशाल्लाह लेगेसी कंटिन्यू कर रखने का ही है इंशाल्लाह और मैं प्लस को जरा हमारे साइड बिजनेस भी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं ओके इंशाल्लाह कभी आएंगी तो आपको फार्म और शोरूम दिखाएंगे इंशाल्लाह 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 जरूर जरूर और अभी तो आपकी जिंदगी का एक आगाज हुआ है मेरी नजर में बिल्कुल सदा सलामत रहे जनाब आप अच्छा आपको एक आप दोनों को तीनों को एक बात बता दूं आज मेरा बर्थडे भी है भाई बताना था ना ईद मैं आपको स्पेशली मैं आपके लिए केक वगैरह मंगवाती हूं कोई बात नहीं अभी शो खत्म हो जाए तो आप फिर बाद में मंगवा सकती हैं कोई जाएगा नहीं सब केक खा के आएंगे मेरे इतने जज्बाती लोग नहीं इस वक्त कहाँ से मिलेगा टाइम भी तो देखिए नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल के अलावा किसी में भी नहीं होगा बिल्कुल मिलेगा केक और रात से राई हम लोग भी हैं आपके साथ जरूर केक कटवाएंगे सेलिब्रेट भी करेंगे पेस्ट्री मिल जाएगी छोटी छोटी पेस्ट्री क्या ब्राउनी भी चलेगी खुशियां बांटनी चाहिए चलेगी चलेगी बिल्कुल चलेगी जाते जाते मैं चाहूंगी सबसे एक मैसेज हो जाए मुनव्वर भी मौजूद है अब्दुल्ला भी मौजूद है भाभी भी मौजूद है भाभी आने वाले लोगों के लिए नई नस्ल के लिए ऑफकोर्स पेरेंट्स का बड़ा किरदार होता है क्या कहती हैं बेवा माँ ठीक है नस्ल को ताकत देती है अपनी तरफ से वो रूह फूंकती है कि मुजाहिद बन जाना इस खानदान की रवायत को कायम करना ये सिर्फ है अभी यहाँ अपने लिए पर ये वो आवाम जिनके घरों में शहीद हुए और जो इस मंच पे अभी चल रहे हैं बाकी खुदा को पता है किसने शहीद होना है किसने नहीं ये मकाम और रब ने देना है तो औरतों के हौसले बुलंद होंगे तो मुजाहिद देंगी ना तो मेरी दरख्वास्त है इस पाकिस्तान की आवाम से एक तो दुआ गुरु चौधरी साहब की फैमिली से क्योंकि मेरी कुछ विशेज हैं जो मैं इस पाकिस्तान के नाम पे पूरा करके फिर मर भी जाऊँ तो दुख ना होगा और औरतों का हिम्मत और हौसले का सबूत जो है वो आने वाली नस्ल के लिए बड़ा है और कई घरानों को चराग देता है हिम्मत और हौसले के नाम पे और नई नस्ल के लिए एक ये है कि चौधरी मूवी के लिहाज से एक किरदार हुआ है उसको देखिए कि चौधरी अपनी लाइफ में क्या करता रहा मगर उस लेवल तक नहीं है जो जायज़ बात है क्योंकि चौधरी बहुत बड़ा किरदार रहा 20 साल के ऊपर मगर सीखने के लिए कि आया एक मर्द मुजाहिद आया उसने क्या किया सही और लोगों के जज्बात मैंने देखे हैं मेरे पास ऐसी कॉल्स हैं और मैं ये सिंध पुलिस के अंदर आईजी साहब को और सिस्टम को ये कहूँगी कि ऐसे जवानों को भर्ती करो जो जानों के नजराने देना जानते हों बाकी तो लेकर सभी चले जाते हैं हाय हाय चलिए जी अब्दुल्ला आप क्या कहना चाहते हो आपके कोई लोगों के लिए अपने देखने वाले चाहने वालों के लिए क्या मैसेज आपको मैं बस इतनी बात करना चाहता हूँ कि अगर चाहे आप साहिब हैसियत हैं बिल्कुल तो अपने पड़ोसी का ख्याल करना ना भूलिए क्योंकि अभी मैंने चंद दिन पहले भी एक चीज़ देखी थी एक बहुत सफ़ेद पूछ फैमिली है बेचारी बहुत परेशान होती है ठीक है तो बस ये कि इन शॉर्ट देना सीखें आप जिस तरीके से लेते हैं ना मुंह फाड़ के लेते हैं ठीक है ना जिस तरीके से आप लेते हैं ना बांटना सीखें बांटने से बढ़ता है बेशक शेर आपकी एक बात करती हूँ चौधरी असलम ने लिया है इस दुनिया में पैसा पता है ना सबको घर तो नहीं लाया 300 घरानों की कफालत की उसने भाभी जी ये मीडिया ने ऑन किया मैंने नहीं किया पहले जियो ने किया है कि चौधरी के सीने में दो दिल धड़कते हैं एक वो जो गरीबों के लिए एक वो जो दहशतगर्दों के लिए क्या बात है क्या बात है क्या बात है वाकई ग्रेट मेरा मेन पर्सपेक्टिव बस इतना है कि कोई भूखा ना सोए
इंशाल्लाह जैसे लोग इंशाल्लाह आप लोग मोटिवेशनल लोग। क्योंकि अभी मैंने एक बात कही थी दोबारा दोहरा देता हूँ कि दरअसल है मखलूक की खिदमत इबादत, दरअसल है मखलूक की खिदमत इबादत, अल्लाह तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। सुभान अल्लाह, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। क्या बात है, इन लोगों ने जो किया इनके साथ आगे जो उन लोगों ने लोगों के लिए जो भी उनके हाथ से कहते हैं यहाँ के दिया लिया सब अल्लाह पाक जो है वो कबूल करते हैं और अल्लाह उनकी आगे आसानियाँ करे। मुनव्वर आप क्या मैसेज अपनी आवाम को देना चाहेंगे प्यारा सा? हाँ। अच्छा, बसा अवकात चीज़ें इतनी सादा नहीं होती जितनी दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पर यह धागा, अगर हम चाहें तो इसे जिंदगी से भी तशबीह दे सकते हैं। बेशक जिंदगी जिसका एक आगाज है, ठीक है, ठीक है, और जिंदगी जिसका एक इख्तिताम है, बिल्कुल ठीक। दरमियान में बेशुमार खुशियां हैं, राहतें हैं, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे अहबाब हैं कि जिनकी वजह से हमें तकवियत मिलती है, लेकिन झूठ, फ्रेब, अपनों से मिले दुख, ऐसे रिश्ते जो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए, अनजाने में या जाने में हुए वे गलत फैसलों का बोझ, ये तमाम चीजें अगर जमा हो जाएं तो जिंदगी इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है और बसा औकात इस तरह से उलझ जाती है कि लगता है कि अब कोई हल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अगर आपके दिल में ये इत्मीनान है कि आपने आपके खालिक ने आप पे कभी भी आपकी हिम्मत और इस्तेताद से ज़्यादा बोझ ना डालने का वादा किया है, अगर आपकी ज़िंदगी उसके अहकामात पे थी तो इत्मीनान रखिए कि ये सब एक तमाशा है और आखिर में आपके लिए एक नहायत ही खूबसूरत पुरमसरत ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। बेशक बेशक, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी। हम लोग चलते हैं, ऑफ कोर्स मैं इन सब का बहुत शुक्रिया करती हूँ, आज इन्होंने अपना कीमती वक्त मेरे निकाला आप सब के लिए और प्यारी प्यारी गुफ्तगू की, हंसी मजाक भी चला, नोक झोंक भी थी, यादें भी थी, सपने भी थे और आगे सोच भी थी और ये सब एक दूसरे से हमेशा जुड़ी हुई होती है। बात अपनों की करते हैं, खाने की, मोहब्बतों की, गानों की, और ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है और ये ज़िंदगी में हमें देखना पड़ता है, बड़ा दिल करना पड़ता है, कभी कभी दुख झेलने पड़ते हैं, कभी कभी खुशियाँ बटोरनी पड़ती हैं, कभी कभी दरगुजर करना पड़ता है, कभी कभी समझाना पड़ता है, कभी शफकत देना पड़ता है, कभी इस हाथ से देना तो दूसरे हाथ को नहीं बताना, कभी जतलाओ ना, और ये जतलाने का जो अगर हम कर देते हैं कभी कुछ ऐसा तो दिल टूट जाता है। दिलों को जोड़ के रखें, अपनों को अपनी यादों में रखें, क्योंकि आपने आगे बहुत कुछ जीना है अपनों के लिए, सबके लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपनी आवाम के लिए। ये मोहब्बतें हम लोगों को एक दूसरे से बांटनी है और मोहब्बतों से रहना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ और कल फिर मिलेंगे उबरते सूरज की तरह गुड मॉर्निंग विद सभी में एंड ईद स्पेशल में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।